Hello everyone, how are you? Very, very good Good afternoon to everyone. So, this is a course for UPCC examination, and in this course, the theme is Let's Crack UPCCC. And under this theme, we are dealing with the uh, marathon session on December prelims based marathon session on December month current affairs, right? So before start, I want to let you know that if you want to crack UPCC's examination with India's largest learning platform, then you have to click on the get subscription link that you will find on an academy website as well as an academy application. And after taking the subscription, you will get following features like daily live classes will be there, structured courses will be there, live tests and quizzes, and unlimited access means you can watch the video as many as time you like. So these are the different different features that are provided by the academy. Once you join the academy, these Features will be provided to you, right? So, see an academy is a big platform, and approximately 100 plus top educators are there on academy. You can see the list of few of the top educators, right? Uh, similarly, comprehensive coverage of syllabus is also one of the features of the academy courses, and again, we have a single course pay. There are different educators, multiple educators are there. टू टीच यू डिफरेंट डिफरेंट सिंगल कोर्स राइट सिंगल कोर्स जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स है इसके ऊपर कम से कम मोर दैन ट्वेंटी प्लस एजुकेटर्स आर देयर ठीक है एंड दिस एजुकेटर्स आर टीचिंग यू इन देयर ओन इनोवेटिव वेज राइट सो दिस इज वॉट एन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू एंड अपार्ट फ्रॉम देट अपार्ट फ्राम दिस सी अकेडमी के अंदर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं ठीक है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या है फॉर वन ईयर इिल कॉस्ट यू फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लाइव डीब इज द कोड दट विल गिव यू टेन परसेंट डिस्काउंट एंड इफेक्टिव फीस आफ्टर द डिस्काउंट इज दिस वन दिस कोड लाइव डीबी कोड दिस इज अंगल कोड एंड इट हैज मटीपल बेनिफिट एंड दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज इट प्रोवाइडेड यू मल्टीपल बेनिफिट्स वट आर द डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस कोड आई विल एचू राइट सो हेयर इज द आइकैनिक सब्सिशन आइकेनिक सब्सिशन के अंदर क्या होता है बच्चों टीम ऑफ मेंटर्स विल बी देयर विल टीच यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन विट विल बी देयर विद यू ठीक है देखिए प्लस का टीम अलग है और मेंटर्स का टीम अलग है राइट तो प्लस और मेंटर्स दोनों टीम आपको मिल जाता है यहाँ पर अनअकेडमी आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर ठीक है और लाइव डी कोड आप यहाँ पे, यहाँ पे यूज़ करेंगे तो टेन परसेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो सेकंड बेनिफिट ऑफ लाइव डी कोड इज दिस वन आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी यूज होता है अन के एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर भी यूज होता है प्लस अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ठीक है बैंक एस एस सी इन एग्जामिनेशन के अंदर भी आप यू कैन यूज द कोड लाइव डी वी राइट सो सी हेयर द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो यू कैन टेक राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट का संस्क्रिप्शन भी आप ले तो तो सकते हैं फॉर वन ईयर टू ईयर एंड थ्री ईयर दिस इज अर रिस्पेक्टिव फीस एंड लाइव डी वी इज द कोड दैट विल गिव यू टेन परसेंट डिस्काउंट तो दिस इज फोर्थ बेनिफिट ऑफ यूजिंग लाइव डी वी कोर्ड राइट इसी तरह से एक अनकेडमी कॉम्बैट जो हमारा स्टार्ट हो रखा है ठीक है ठीक है ये हर फोर्थ नाइट पर चैलेंज होता है अभी सेवन्थ फैब को ये चैलेंज है सो यू कैन एनरोल दिस वन कॉम्बैट राइट कॉम्बैट के अंदर एनरोल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है बच्चों देखो 11 बजे स्टार्ट होता है और इसका फायदा क्या है इसका फायदा यह है कि आपको एक कंटेस्ट की फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे ठीक है तो 13 कॉम्बैट्स यू हैव टू सॉल्व राइट और इन कॉम्बैट्स को सॉल्व करने के बाद आपको प्राइज़ेस मिलेंगे अगर आप जीतते हैं तो ठीक है अगर नहीं जीतते तो वो भी आ, उसके अंदर भी आपको क्या है आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी सो यू कैन डू वॉट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फेब सेवेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अन कॉम्बैट राइट देखिए अपार्ट फ्रॉम दट दिस आर द वॉट दिस आ अमेजिंग प्राइजेज दैट यू वी विल रैंक वन से रैंक थ्री के अंदर आपको ये थ्री uh, मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा ठीक है रैंक फोर से रैंक वन फिफ्टी हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ का अमेज़ॉन वाउचर आपको इसके अंदर मिलेगा राइट सो दिस इज वाट द एन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू अनकेडमी नॉट ऑनली प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट 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 प्लेटफॉर्म्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज बट ऑल्सो फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट एंड अगर यहाँ पर आप विन करेंगे तो आपको फ़ायदा है नहीं करते तो भी आपकी प्रिपरेशन तो हुई रही है बच्चों राइट सो न्यू बैचेस फॉर यू पी सी सी एस सी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री देखिए बैच फॉर्म्स के अंदर आप इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बैचेस फॉर्म के अंदर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है तो बैचेस जो है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं ठीक है एंड स्टार्ट फ्रॉम द ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी दिस आ न्यू बैचे दैट यू कैन सी और हर मंथ पे ठीक है इसी महीने में बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं अनकैडमी के अंदर तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं सिक्स मंथ का प्रीलिम्स का कोर्स है यहाँ पर ठीक है या फिर आप वन ईयर का भी ले सकते हैं टू ईयर्स का भी ले सकते हैं थ्री ईयर्स का भी ले सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी से पहले आप सब्सक्रिप्शन करिए अदरवाइज आई प्राइस हाइक विल भी दिया आई सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक हो जाएगा राइट सो देखिए एक कोड है लाइव डीबी कोड एंड मल्टीपल बेनिफिट्स यू कैन सी दैट 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स विल बी एक्सेबल टू यू फ्री क्लासेस फ्री क्विजेस 10 परसेंट डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू हाउ टू यूज प्लस प्लेटफॉर्म एफिशियंटली दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू ठीक है तो ये सिंगल कोड है अन अकेडमी पर देखिए बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं तो किस एजुकेटर कहाँ पर किस वक्त यूज़ करना है आपको आई विल लेट यू नो इफ यू यूज दिस कोड लाइव टी वी राइट सो प्लीज लेट मी नो दैट आई एम ऑर्डेबल एंड एवरीथिंग इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर uh anybody in the class right can let me know right so first news is this one the ministry of youth affairs and sports has recently included ghatka कलारी पयाटो थंगथा मल्लखम इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ट्वेंटी वन दिस इज द फर्स्ट न्यूज एंड इस न्यूज़ के ऊपर हमको दे सही देखिए किस तरह से फेलिम्स में क्वेश्चन आते हैं ये हम समझेंगे बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट हम किस तरह से इस लेक्चर को लेके जाने वाले हैं इस सेशन को लेके जाने वाले हैं इस मैराथन सेशन को हम लेके जाने वाले हैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेशन विल बी ऑफ टू एंड हाफ आवर्स ठीक है टू एंड हाफ आवर्स का सेशन होगा तो बी विद मी टू पॉइंट फाइव आवर्स तक अगर आप रह सकते हैं तो बैठिए अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास ठीक है सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट शॉर्ट नोट्स आपको इसके अंदर बताना है बच्चों शॉर्ट नोट्स मतलब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स एक एक पॉइंट जो कि आपको क्लास एंड होते ही आपको एक बार रिवाइज करना है उसको दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ के बाद इस सेशन के ओवर होने के बाद ये जो सेशंस हो जाएंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे सेशन ठीक है ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में आपका एक क्यूज़ होगा दैट इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द दिसंबर करंट अफेयर्स वो दिसंबर करंट करंट अफेयर्स पे ही पूरा इस लेक्चर के ऊपर पूरा आपका डिपेंडेंट होगा तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को आपको देखना है और मल्टीपल टाइम्स आपको इसको देखकर रिवाइज करना है ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो लेक्चर होगा ठीक है इस लेक्चर में हम कॉम्प्रेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आई थिंक कि यहाँ दिस दिसंबर मंथ का जो मैराथन सेशन है दैट इज़ इनफ फॉर योर प्रिपरेशन राइट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट कि हम यहाँ पे कैसे पढ़ रहे हैं बच्चों हम यहाँ परसेप्ट प्लस कंसेप्ट की अप्रोच भी पढ़ रहे हैं अब आप पूछेंगे सर ये परसेप्ट और कन्सेप्ट क्या होता है देखिए परसेप्ट के अंदर क्या है कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको रटने होते हैं जैसे अभी घटका जो है गटका डांस है वो कौन से कंट्री का है कौन कौन से स्टेट का है दैट यू हैव टू लर्न ठीक है इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको समझने होते हैं ठीक है जैसे इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए ठीक है और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साइंस टेक के कुछ कॉन्सेप्ट हो गए इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना होगा दैट कम्स अंडर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो हम प्रेसेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट इस अप्रोच को अपनाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और यहाँ से पूरा आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन लेट्स स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल ऑसम दिसंबर मंथ फुल करंट अफेयर सेशन लेट्स स्टार्ट देखिए गटका गटका स्टार्ट करेंगे फिर कलारी बटू पढ़ेंगे थंगथा पढ़ेंगे एंड मलखम पढ़ेंगे लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन ठीक है गटका देखो आपको पंजाब से क्या याद आता है पंजाब की लस्सी ठीक है और पंजाब की लस्सी को गटकते हैं अपन तो गटका इज़ रिलेटेड टू द पंजाब ऐसे अपन को लर्न करना है ठीक है दिस इज नोन एज एसोसिएशन अप्रोच कि आप किसी पिक्चर को देखकर एसोसिएट कर रहे हैं उससे ठीक है तो गटका कभी आ जाता है कौन से स्टेट का है तो दिस इज ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब ठीक है देखिए गटका के अंदर क्या होते हैं निहांग सिख वॉरियर्स निहांग सिख वॉरियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स की तरह उनको यूज़ करते हैं ठीक है थीके? अभी ये क्या है सेल्फ डिफेंस के साथ साथ ये स्पोर्ट्स के अंदर भी एंट्री मार गया है गटका दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़ और यहाँ पर आप देखेंगे लस्सी से याद रखना है गटका और गटकली लस्सी ठीक है और स्टेट ऑफ पंजाब ठीक है दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है तो दिस इज द निहंग सिक्स जो ये क्या है ये वॉरियर क्लैन है सिखिज़्म की ठीक है और ये क्या था सिक्स गुरु ठीक है सिक्स गुरु ने जी से सिक्स याद कर लें गटका मतलब सिक्स ठीक है जी और सिक्स सिमिलर दिख रहे हैं आपको तो इससे अपन को देखो नाम से ही पूरा याद कर लेना है नाम से अपन को याद हो गया पंजाब जी से याद हो गया सिक्स ठीक है तो सिक्स गुरु सिक्स गुरु हरगोबिंद ठीक है अडॉप्टेड द कृपाण फॉर द सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग द मुग़ल इरा ठीक है तो मुगल इरा के टाइम पर इन्होंने क्या करा था क्योंकि उनको मुगल्स का क्या था इनके ऊपर बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज जो अदर कम्युनिटीज थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज थी तो उसके अगेंस्ट में गुरु हरगोबिंद ने करा था ठीक है जी के बाद क्या आता है बच्चों एच तो हरगोबिंद ठीक है हरगोबिंद इस तरह से आपको याद करना है तो गटका पंजाब के अंदर आपने याद करा ठीक है लस्सी से पंजाब के अंदर याद कर लिया जी के बाद एच आता है हरगोबिंद से याद कर लिया सिक्स होता है जी से ही सब कुछ अपन को याद हो गया दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट तो ये कृपाण फॉर सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग द मुगल इरा ये इसके अंदर आपको इसके अंदर समझना है राइट right? गटका देखिए गटका पहले क्या था सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा के अंदर सिर्फ पूजा पाठ के अंदर ये इस तरह से करते थे एक फेस्टिवल बनाते थे ठीक है नगर कीर्तन के अंदर करते थे अखाड़ास के अंदर करते थे बट अब उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी डाल दिया गया बच्चों देखो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट कैटेगरी में भी डाल दिया गया है इसका एक एक खुद का फेडरेशन ऑफ इंडिया बन गया है एट के अंदर ठीक है अब ये क्या है खेलो इंडिया कॉन्टेस्ट के अंदर भी ये आ गया है दैट्स इट इज़ इन द न्यूज दैट्स वाई गटका इज इन द न्यूज राइट नेक्स्ट इज थंग था तो आई होप ग याद हो जाएगा गटका के अंदर पंजाब और जी से अपन याद करा है हरगोविंद ठीक है जी के बाद जाता है हरगोविंद और जी से फिर सिक्स गुरु ठीक है ये अपने याद करा है पहले ये गुरुद्वारा कीर्तन के अंदर होता था अब ये किसके अंदर होने लग गया है अब ये होने लग गया है स्पोर्ट्स के अंदर भी इसको पार्टिसिपेट करने लग गए हैं ठीक है ठीके? तो आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट इज थंगथा थंगथा क्या होगा ये हम समझते हैं देखिए इसके अंदर है ना आप देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं ये देखो एक पेन के पास ढाल है ठीक है और एक क्या है तलवार है ठीक है ढाल और तलवार ठीक है इससे ये लड़ाई करने की सीख रहे हैं और आप देख रहे हैं ये लेडी कहाँ की लग रही हैं मणिपुर की हैं ठीक है ठीके? तो ये मणिपुर से रिलेटेड है थंग था जो है दैट इज़ मणिपुर डांस ये जनरली जनरली ये विमेन्स के लिए होता है वेमेन के सेल्फ डिफेंस के लिए होता है बट ये ऐसा नहीं है ये जेंरल न्यूट्रल डांस है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन ही करती है इसको जेंडर न्यूट्रल मार्शल आर्ट है राइट तो देखिए मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर ठीक है थंग मीन्स स्वाड ठीक है तलवार और टा इन्स स्पियर स्पीयर ठीक है आर द प्राइमरी वेपन्स ठीक है ये प्राइमरी वेपन्स होते हैं थंग था थंग था कहाँ का है मणिपुर का ठीक है अब देखो इसको कैसे याद करोगे थंग मतलब ठग ठग क्या करता है किसको ठगता है मनी को तो मणिपुर ठीक है इस तरह से दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ठग किसको ठगता है मनी को तो दैट्स वाई थंग था इज मणिपुर द एक्सरसाइज मूवमेंट्स एंड फाइटिंग मेथड्स आर मेन टू स्टिल डिसिप्लिन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस सेफ गार्ड वीमेन रेस्पेक्ट एल्डर्स और फाइट फॉर द किंगडम किंगडम के लिए लड़ने के लिए इसको इसको क्या करा था प्रैक्टिस किया जाता है थंग था इज द मिलिट मार्शल आर्ट राइट इज दिस क्लियर थंग का मतलब समझ में आ रहा है ठीक yes. है वॉइस ऑफ सोल इज सेइंग सर इज दिस सेशन ओनली फॉर द प्रीलिम्स ओरिएंटेड यस कंप्लीटली होलिस्टिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है प्रीलिम्स का ही है मेंस के लिए जो बैठे हैं प्लीज चले जाएं ठीक है दिस इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेशन ओनली राइट तो आई होप दिस इज क्लियर चलिए नेक्स्ट इज कलारी प्याटू कलारी प्याटू इज के फॉर कलारी और के फॉर केला के तो केरेला का डांस है बच्चों ये कलारी प्याटो ऑल्सो नोन एज सिंपली एज कलारी कलारी का मतलब क्या होता है जिम ठीक है कलारी का मतलब जिम मार्शल आर्ट जहाँ पर मार्शल आर्ट होता है उसको कलारी बोलते हैं ठीक है इट इज़ बिलीव विद ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट इन इंडिया ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट है पहले जो थी मार्शल आर्ट्स ठीक है ये एक इकलौती ऐसी मार्शल आर्ट जो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर बची हुई है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट इन इंडिया राइट तो प्लीज़ वेयर इट्स दिस मार्शल आर्ट इस प्रैक्टिस नोन एज कलारी मैंने आपको बताया कलारी का मतलब क्या होता है जिम के फॉर कलारी के फॉर केरला ये आपको याद रखना है ठीक है इट इज़ मलयालम वर्ड दैट सिग्निफाइज ए काइंड ऑफ जिमिनज ठीक है और थ्रेशिंग फ्लोर और बैटल फील्ड ठीक है अखाड़ा जिसको अपन बोल सकते हैं उसको अपन समझ सकते हैं द वर्ड कलारी फर्स्ट ऑफ इन द तमिल संगम लिटरेचर टू डिस्क्राइब बोथ द बैटल फील्ड एंड कम्बैट अरेना ठीक है तो ये क्या है सबसे पहले ये कलारी वर्ड जो था वो कहाँ पाया गया था ठीक है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तो बच्चों संगम लिटरेचर में ये पाया गया था संगम होता है कलारी के अंदर बहुत सारे क्या लोगों का जो कि मार्शल आर्ट सीखते हैं इसके अंदर एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट एंड क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कलारी पैयटू से आप क्या समझते हैं

तो ये क्या है एक तरह से मार्शल आर्ट फॉर्म है इतना सिंपल क्वेश्चन आया था बच्चों सिर्फ आपको ये देखना था कि कलारी प्याटू आपको लर्न होना चाहिए था मतलब थोड़ा भी अगर नॉलेज होता तो वो आप कर देते ठीक है तो कलारी प्याटू में क्या होता है गुरु शिष्य की परंपरा चलती है गुरु जो होता है वो शिष्य को देता है शिष्य आगे अपने गुरु को अपने शिष्य को देता है एंड सो ऑन इस तरह से परंपरा चलती आ रही है और ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है और अभी तक ये परंपरा चलती आ रही है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इसके अंदर कलारी प्याटू में सिर्फ मारना ही नहीं सिखाते ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से मारकर हील करना भी सिखाते हैं हीलिंग भी सिखाते हैं मारना ही नहीं सिखाते सो दिस इज द वर्ड दिस इज द कलारी पेयर टू केरला इससे आपको याद रखना है राइट नेक्स्ट इज मलखंब, अब ये देखो ये पर्सन क्या कर रहा है भाई ये देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक स्पोर्ट है कि ऐसे कैसे कितना देर तक लटक सकता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में और ये खम्ब मतलब क्या है खम्बा राइट right? मलखम क्या है खम्भ का मतलब है खम्बा और ये कितनी देर तक यहाँ पर लटक सकता है इस तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट में तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है ये भी क्या है स्पोर्ट अपना अभी हमने देखा है कि खेलो इंडिया के अंदर इसको लिया गया है तो मलखम्भ इज वन ऑफ द फ्यू गेम्स दैट प्लेड अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रेविटी के अगेंस्ट में है ग्रेविटी इसको खींच रही है ग्रेविटी को रुका हुआ है ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है सिनर्जी ऑफ माइंड इसके अंदर देखो क्या क्या चाहिए सिनर्जी ऑफ माइंड एंड बॉडी टू डेवलप स्पीड स्टैमिना एंड बेटर हेल्थ राइट द नेम डेराइव फ्रॉ द पोल यूज बाय द रेस्लर फॉर प्रैक्टिसिंग देयर स्किल ये पोल पर है ये ओब्वियसली दिस इज नॉट द डांस दिस इज नॉट द पोल डांस दिस इज वॉट दिस इज द स्पोर्ट एंड दिस इज द मलखम ठीक है आप देखेंगे इसके अंदर इस तरह से लटक जाता है कोई ठीक है मलखम के अंदर इस तरह से भी कितनी देर तक ये यहाँ पर रहता है और जितनी देर तक रहेगा उतना अच्छा जीत जाएगा ठीक है तो मलखम हैज़ बीन हैज डेवलप्ड एन आइडेंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्लिंग और कुश्ती रेस्लिंग और कुश्ती से यह क्या है दैट इज डिफरेंट राइट द वर्ल्ड मल मीन्स रेस्लर एंड एथलीट इन द संस्कृत एंड खम मीन्स पोल और ये क्या है ये खेलो इंडिया के अंदर अभी ये स्पोर्ट आ गया है दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे कैन आस्क यू इन द एग्जामिनेशन राइट चलिए सो so, देखो इस तरह का भी होता है राइट आप देख रहे हैं कितना मस्त मस्त पोस्टर बना रखे देर फो मलखम हैज़ कम टू बी नोन एज रेसलिंग अगेंस्ट अ पोल एंड देयर टू टाइप्स और टू अदर मलखम स्टाइल्स सचेज रोप मलखम एंड हैंगिंग मलखम ये दो तरह के मलखम भी होते हैं तो मलखम इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज अब इसको खेलो इंडिया ने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया के अंदर इसको लिया गया है दैट्स वाई दिस इज स्पोर्ट इज इंपॉर्टेंट राइट देखो अ मैंशन ऑफ रेस्लर्स एक्सरसाइजिंग ऑन द वुडन पोल इज रिटन इन द मान ऑफ रिटन बाय द चोला हंड्रेड फिफ्टी थ्री ई डी ए डी ठीक है तो ये कहाँ पर पाया जाता है मलखम कहाँ पर जैसे कलारी कलारी वर्ड कहाँ पाया जाता है बाय द वे एनी बडी इन क्लास कलारी वर्ड अभी मैंने आपको बताया था कलारी वर्ड कहाँ पाया जाता है जस्ट गिव क्यूमे सेकंड आप बताएं मुझे कलारी वर्ड कहाँ पाया जाता है जस्ट गिव मी सेकेंड है वर्ड 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 कलारी नॉर्थ कलारी पयाटो वर्ड कलारी कौन से लिटरेचर में पाया जाता है जल्दी से बताए संगम लिटरेचर बच्चों संगम लिटरेचर राइट right? केरला नहीं संगम लिटरेचर वर्ड कलारी राइट right? कलारी पेटो नहीं बोला था मैंने आपको कलारी वर्ड बोला था आई होप दिस इज क्लियर ठीक है इट वॉज डिवाइव लेटर बाय द बलम भट्ट बलम भट्ट दादा देवदर फिजिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ बाजीराव पेशवा बाजीराव पेशवा ने इसको वापस करता किसको मलखम्ब को राइट आई होप दिस इज क्लियर टू मलखम क्या होता है ये देख लीजिए ये ये सब क्या है मलखम के ही पोस्टर्स हैं राइट सो ही टू ग्रेट ए दिस वन और किसने करा था बलाम भट्ट बलम भट्ट दादा देवधर इन्होंने करा था इसको ठीक है तो मलखम को आपको इस तरह से याद रखना है राइट चलिए नेक्स्ट इज देयर इज नेक्स्ट थिंग इज दिस वन अपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट के लिए एक अपेक्स कमेटी बनाई गई है जिससे कि पेरिस एग्रीमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन सही से होता रहे ठीक है पेरिस एग्रीमेंट में हमने बहुत सारे आई लेकर आए थे हम ठीक है इंटर इंटेंडेड नेशनल डिटर्मेन कॉन्ट्रीब्यूशन और वो उसका काम किस तरह से चल रहा है किस वे में किस डायमेंशन में वो काम चल रहा है उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है अपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैरिस अग्रीमेंट ये हम इसके अंदर देखते हैं तो अपेक्स एपा जो कमेटी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी दिस वन की दिस इज अटेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन और नॉट यस हंड्रेड परसेंट दिस इज स्टेचुट्री ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स के अंदर एपा है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द एपा एपा का चेयरम पर्सन कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का सेक्रेटरी ये आपको याद करना है तो एपा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से बनी है इनका जो चेयरमैन है वो कौन है सेक्रेटेरी है किसका मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट का ये आपको लर्न करना है यहीं पर लर्न करना है बच्चों देखो, देखो बाहर कुछ भी नहीं है ठीक है ये समझो बाहर अपने पास बहुत कोई समय नहीं है अपन को यहीं पर इसको याद करना है राइट ए पाइज सेवेंटीन मेंबर इंटर मिनिस्ट्रल कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एंश्योर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज मैटर्स प्रोटेक्ट द कंट्रीज इंटरेस्ट और इंडिया ट्रैक में है क्या क्लाइमेट चेंज के ट्रैक में है क्या जो पेरिस क्लाइमेट के अंदर उसने आई करे थे ठीक है नेशनली डिटरमाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरडेड नेशनली डिटरमाट कॉन्ट्रीब्यूशन करे थे क्या उनकी तरफ ये बढ़ रहा है क्या और किस तरह से अप्रोच कर रहा है ये अपन को ए पा बताएगी सेवेंटीन मेंबर कमेटी चेयरमैन कौन है इसका जल्दी से लिखिए चैट सेक्शन के अंदर फंक्शन क्या है रिपोर्ट करेगी एन डी को टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज ठीक है फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज यू एन सी को क्या करेगी बताएगी कि हमने देखो कितने सारे एन को किस तरह का हमारा काम चल रहा है एन डी पे और हम पैरिस क्लाइमेट के एग्रीमेंट के कितने करीब आ गए हैं ठीक है डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू मेक द इंडियाज डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शंस कम्प्लेंट विद इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन से कंप्लेट होंगे हम कि इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन क्या है उनसे हम कंप्लेंट होंगे राइट फंक्शंस एज नेशनल अथॉरिटी टू रेगुलेट द आर्टिकल सिक्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट पैरिस अग्रीमेंट का आर्टिकल सिक्स को रेगुलेट करने के लिए उसको आ, उस उससे कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल सिक्स ऑफ पैरिस अग्रीमेंट कैसे का फंक्शंस को ये बताएगा उसको फंक्शन करेगा कौन एपा ठीक है तो ये अपेक्स बॉडी है राइट right? तो व्हाट इज़ आर्टिकल सिक्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट दिमाग में आया होगा आर्टिकल सिक्स क्या है आर्टिकल सिक्स क्या होता है ये क्या करेगा ये क्या करता है ग्लोबल प्राइस ऑफ कार्बन ठीक है जैसे मान लो मैंने हंड्रेड कार्बन इमिट करा तो एक कार्बन का क्या ग्लोबल प्राइज होगा ठीक है क्यों क्यों ग्लोबल प्राइज़ का मतलब क्या है कि भाई इतना कार्बन जो है उसका क्या ग्लोबल प्राइज़ होगा ये इसके अंदर डिसाइड होता है टू यूज़

कि इससे ज़्यादा मैं करूँगा इससे ज़्यादा अगर मैं इमिट करूँगा कार्बन को तो मुझे क्या होगा मुझे कॉन्सिक्वेंसिस फेस करने में मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी अब कितनी पेनल्टी लगेगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय ग्लोबल प्राइस ऑफ कार्बन सर ये क्या बात हुई ग्लोबल प्राइस ऑफ कार्बन मतलब समझे नहीं अभी भी जैसे बच्चों मान लो ग्लोबल प्राइस ऑफ कार्बन एक कार्बन की ग्लोबल प्राइस है टेन रुपीज़ ठीक है और मैंने इमिट कर दिया कितना वन थर्टी मुझे करना कितना था बच्चों हंड्रेड ही करना था कर कितना दिया वन थर्टी का दिया ओ सर आपने क्या करा थर्टी ज़्यादा कार्बन इमिट कर दिया तो थर्टी ज़्यादा कार्बन इमिट कर दिया तो मेरे को थ्री हंड्रेड रुपीज़ देने पड़ जाएंगे बिकॉज एक कार्बन का प्राइस क्या है एक कार्बन का प्राइस है टेन रुपीज़ तो दिस इज नोन एज ग्लोबल प्राइज ऑफ़ कार्बन ओके नाउ वी अंडरस्टैंड वाट इज ग्लोबल प्राइज ऑफ कार्बन और आर्टिकल सिक्स के अंदर यही है आर्टिकल सिक्स के अंदर ये है कि सब बैठकर ग्लोबल प्राइज ऑफ कार्बन डिसाइड करो और अगर किसी ने ग्लोबल क्राव... किसी ने अपने लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर दिया तो उसको हम क्या करेंगे उसको हम पेनल्टी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल प्राइस ऑफ कार्बन ओके नाउ वी आर क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इज द ग्लोबल प्राइस ऑफ कार्बन दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है तो देखो हमारी आई क्या है हमारे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन देखो क्या हुआ था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर 2015 के अंदर ये बोला कि भैया तुम क्या करो तुम सारी कंट्रीज बैठो एक जगह और तुम सभी कंट्रीज बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमने कहा हम तीन काम कर देंगे बोले अच्छा वाओ इंडिया ने तीन काम बताया ठीक है अमेरिका ने बोला हम ऐसे कर देंगे ठीक है किसी ने बोला इस तरह से कर देंगे फिर अमेरिका तो पीछे से भाग लिया ठीक है और बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे अपने वादे करे तो हमने कहा कि हम क्या क्या वादे कर देंगे इन सब वादों को क्या बोला गया इन आई एंड डी सी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ये क्या है ये सबके लिए वॉलेंट्री है करो तो करो नहीं तो मत करो पर तुमको क्या है एक कमिटमेंट कर देते है ना तो उसका क्या है कमिटमेंट का कोई वो होता है ठीक है कोई एक वॉइस होती है कमिटमेंट की मतलब एक स्ट्रेंथ होती है कमिटमेंट की कि आपने कमिटमेंट करा है तो हमको करना ही पड़ेगा तो हमने क्या करा हमने तीन कमिटमेंट करे बच्चों दिस कैन बी सेपरेट क्वेश्चन ठीक है आर्टिकल सिक्स इज क्लियर टू एवरी आर्टिकल सिक्स इज रिलेटेड टू ग्लोबल प्राइस ऑफ द कार्बन ठीक है ये आपको याद रखना है अच्छा मुझे ये बताओ कि Uh, जल्दी से बताओ कि गटका कौन से स्टेट का है गटका डांस कौन से स्टेट का है चैट सेक्शन में लिखो ठीक है अब हमारे इंटेंडेड नेट बेनिफिट्स क्या हैं इंटेंडेड नेट uh, सॉरी इंटेंडेड इंटेंडे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है देखिए सबसे पहला है 33 से 35 परसेंट रिडक्शन करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इमिशन इंटेंसिटी पे क्या मतलब है सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है अभी बताते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता देखिए इमिशन इंटेंसिटी क्या होता है कि मान लीजिए कि टू के अंदर ठीक है 2005 के अंदर बच्चों आपकी मिशन इंटेंसिटी 100 थी मतलब 100 पर जीडीपी ठीक है और हंड्रेड विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी ठीक है जीडीपी के रेस्पेक्ट में कितनी थी 100 थी मतलब जीडीपी अपॉन पी इमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी डी इज इक्वल्स टू हंड्रेड आ रहा था आपका ठीक है तो टू थर्टी के अंदर टू थाउजेंड थर्टी के अंदर हम इसको कितना कर लेंगे थर्टी थ्री परसेंट से रिड्यूस कर लेंगे तो थर्टी थ्री परसेंट से रिड्यूस करने का मतलब क्या है इसको सिक्सटी सेवन आएगा ये क्या आएगा 67 की आपका इमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी तो दिस इज द इमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी इमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी हम 33 से 35 परसेंट रोड्यूस कर लेंगे दिस इज अवर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का एनडीसी नंबर वन इज दिस क्लियर टू एवरीवन यस yes, यस yes, लिखते जाए हाँ सब बिल्कुल क्लियर है पंजाब है इसका आंसर ठीक है इसका जल्दी से बताओ 33 से 35 परसेंट रिडक्शन इन ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 फ्रॉम 2005 थाउजेंड फाइव लेवल इज दिस क्लियर टू एवरी वन प्लीज लेट मी नो यस और नो राइट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट की हम है ना नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे अच्छा नॉन फॉसिल फ्यूल से कर दोगे कितना करोगे 100 परसेंट कर दोगे नहीं नहीं सर इतना थोड़ा ना करेंगे 40 परसेंट हम करेंगे ठीक है 40 परसेंट हम किससे करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे मतलब नॉन फ्यूल का जैसे विंड एनर्जी हो गया ठीक है विंड एनर्जी हो गया जैसे सोलार एनर्जी हो गया इनसे हम क्या करेंगे फोर्टी शेयर तक हम करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल का इलेक्ट्रिसिटी जो अगर हम हम हंड्रेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना सर तो इसके अंदर से फोटी जो होंगे ना वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे ठीक है इसके अलावा तीसरी क्या बात है भाई तीन थे ना तो दो तो हम समझ गए इमिशन इंटेंसिटी समझ गए और हम ये समझ गए कि नॉन फॉसिल फ्यूल से फोर्टी शेयर हम करेंगे तीसरा क्या है तीसरा इन्होंने ऐसे बोला कि टू से थ्री बिलियन टन ओ माई गॉड तक क्या करेंगे हम कार्बन सिंक प्रोड्यूस कर देंगे वाओ wow. कार्बन सिंक का मतलब क्या है जो कार्बन को सोख लेता है जो कार्बन को सोख लेगा कैसे जैसे ट्री है ट्री कार्बन को सोख लेता है वैसे ही क्या होगा कि इस तरह का हम 3.5 2.5 से 3 बिलियन कार्बन सिंक को प्रोड्यूस करेंगे ठीक है बिलियन टन को ठीक है इतना कार्बन जो सिंक कर ले ठीक है दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग ओ वाओ ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सर कार्बन सिक्स ऑफ 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो एफोरोस्टेशन प्रोग्राम मतलब पेड़ लगा के हम क्या करेंगे कार्बन को सोख रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है इंडिया इज द ओनली कंट्री अब देखो ये प्राइड की मूवमेंट है जस्ट सल्यूट योर कंट्री इंडिया इज द ओनली कंट्री अमॉन्ग द जी ट्वेंटी कंट्रीज दैट इज ऑन द ट्रैक टू मीट द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट ऑफ टू डिग्री सेल्सियस अंडर द टू थाउजेंड फिफ्टीन पेरिस एग्रीमेंट ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए तो बच्चों अब जल्दी से चैट सेक्शन में आई के तीन पॉइंट लिख दो शॉर्ट में सिर्फ शॉर्ट में जैसे कि पहला पॉइंट होगा एमिशन इंटेंसिटी 30 से 35 परसेंट ऐसे शॉर्ट में दो और लिख दो तो मज़ा आ जाएगा राइट चैट सेक्शन के अंदर ठीक है चैट सेक्शन को है ना अच्छे से यूटिलाइज करा करो दैट इज़ इंपॉर्टेंट राइट तो इंडिया का एन एन डी क्या एन क्या होता है वॉलेंट्री एफर्ट होता है ठीक है और हमने बोला इंडिया सम्मिटेज एन डी सी इन टू थाउजेंड फिफ्टीन और हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों जी ट्वेंटी में से कोई नहीं कर पा रहा कोई ट्रैक पे नहीं है हम इकलौते हैं जो कि ट्रैक पे है इंडिया आई एन इस तरह का होता है ठीक है नेक्स्ट इज पोस्टल बैलेट फॉर द नॉन रेजिडेंट इंडियंस एन सबसे पहले ये देखिए एन को ये क्या है ये इंडियंस ही होते हैं इंडियंस ही होते हैं जो कि क्या है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज से कम भारत में रह रहे हैं दैट इज नोन एज नॉन रेजिडेंट इंडियंस इनके पास सिटीजनशिप किसकी होती है इंडिया की ही सिटीजनशिप होती है बच्चों ये इंडियंस ही होते हैं अब इंडिया की सिटीजनशिप है मान लो कोई अमेरिका में रह रहा है ठीक है तो इसको बोले कि भैया वोट देना है इसने बोला हाँ भाई मेरे को वोट देना है बहुत दिन हो गए वोट दिए तो मुझे वोट देना है तो पोस्टल बैलेट से वोट दे सकते हैं ये ठीक है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम रेडी हैं आप अलाउ करें हमें हम इनसे पोस्टल बैलेट से वोट ले लेंगे मतलब क्या होता है पोस्टल बैलेट का मतलब समझो देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक पर्सन है अमेरिका के अंदर रह रहा है दिस इज इंडियन और बट इट इज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया ठीक है जनरली सो दिस इज़ नोन एज नॉन रेजिडेंट इंडियन ठीक है अब ये जो पर्सन है ना दिस पर्सन है ना ये पर्सन जो होगा ये क्या करेगा इसको वोट देने की इच्छा हो रही है तो ये किस तरह से पोस्टल बैलेट से किस तरह से वोट दे सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको भेजेगा क्या भेजेगा इसको इसको भेजेगा पोस्टल इसको भेजेगा बैलेट पेपर बैलेट पेपर को क्या करेगा ये कहां से भेजेगा ये ई करके भेज देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमेल करके भेज देंगे और ये पर्सन क्या करेगा ये पर्सन को पोस्ट करके भेजना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाय पोस्ट और दिस इज नोन एज पोस्टल बैलेट सिस्टम इस पोस्टल बैलेट सिस्टम क्लियर और नॉट क्लियर है तो ये सबने सही से लिखा है टू पॉइंट फाइव से थ्री बिलियन टन राइट फोर्टी से थर्टी थ्री से थर्टी फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट पॉसिबिली याद रखना बच्चों एक बार यहां पर लिख दोगे ना चैट सेक्शन के अंदर जिंदगी जिंदगी भर तो नहीं एग्जाम तक याद रहेगा ठीक है तो देखो इलेक्शन कमीशन टोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड लॉ एंड जस्टिस कि हम क्या करें हम रेडी हैं एनआरआई के लिए आसाम वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर इलेक्शन कराने के लिए एन का पोस्टल बैलेट से है आप बस आदेश दीजिए हम अभी देखिए पोस्टल बैलेट से कर देते हैं तो पोस्टल बैलेट क्या है बैलेट पेपर और डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली ठीक है ई के थ्रू इस तरह से क्या है इलेक्टोरल तक इलेक्ट्रोल तक दे दिया इस पर्सन को करना है तो उसके पास आ गया अब ये क्या करेगा ये बैलेट आ, को पोस्टल से पोस्ट से करेगा क्यों करेगा क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है बच्चों यहाँ तो कोई भी उसके मेल को यूज़ करके कर सकता है ठीक है तो इसको पोस्ट से करना पड़ेगा दैट इज नोन एज पोस्टल बैलेट ठीक है तो इट इज़ करेंटली ओनली अवेलेबल टू द सर्विस वोटर्स अभी सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए है तो ये कह रहे हैं कि एन के लिए भी हम अलाउ कर सकते हैं इसको सर्विस वोटर्स के लिए सर्विस वोटर्स कौन कौन से होते हैं देखो सर्विस वोटर्स लाइक आर्म फोर्सेज आर्म फोर्सेज जो क्या है बॉर्डर पर खड़े हैं ठीक है थीके? उनको भी वोट का अधिकार है ठीक है तो उनको भी वोट का अधिकार है तो वो भी वोट देना चाहें तो दे सकते हैं वोटर्स ऑन द इलेक्शन ड्यूटी कोई इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर है वो बेचारा खुद का वोट नहीं दे पा रहा तो वो पोस्टल बैलेट से वोट कर सकता है वोटर्स अबोव एटी ईयर ऑफ अस्सी साल के से बड़े जो लोग हैं वो क्या है वो वोट नहीं दे पाते हैं ठीक है थीके? क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम होता है मोबिलिटी में प्रॉब्लम होता है इसलिए क्या होता है उनका पोस्टल बैलेट से वोटिंग करा जाता है ठीक है वोटर्स अबो 80 इयर्स ऑफ द एज और द पर्सन विद द डिसेबिलिटी वोटर्स अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो वोटर्स है उनको भी क्या होता है उनको भी सर्विस वोटर्स के अंदर काउंट किया जाता है और बच्चों ये ध्यान रखो दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन नॉट द प्यूनेटिव डिटेंशन तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पांच मिनट बाद आपके पास ये होगा कि कौन कौन से लोग सर्विस वोटर्स कहलाते हैं तो इनको अच्छे से याद कर लो आपको चैट सेक्शन के अंदर लिखना होगा इज दिस क्लियर वाट इज पोस्टल बैलेट पोस्टल बैलेट देखिए एक एक करके अपने सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे आप यहीं पर याद कर लो यहीं पर रख लो दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है इज इज़ क्लियर ऑन नॉट प्लीज गिव मी यस और नो राइट तीन कैटेगरी के होते हैं इलेक्टोरल्स इलेक्टोर्स इंडिया के अंदर जनरल ओवरसीज एंड ओवरसीज के अंदर एनआरआई विद इंडियन पासपोर्ट और सर्विस इलेक्ट्रोस जैसे आर्म फोर्सेज एंड जनरल इलेक्ट्रोर्स जो 18 साल से ऊपर जैसे आप और मैं हैं तो ये तो जनरल इलेक्ट्रोर्स होते हैं एक ओवरसीज होते हैं और एक सर्विस इलेक्ट्रोर्स होते हैं ठीक है सर्विस इलेक्ट्रोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है क्या क्या इसके अंदर कैटेगरी होती है ये अपन ने इसके अंदर देख लिया है ठीक है नेक्स्ट है संगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस ठीक है एस ऑर्गेनाइजेशन की भी नाइनटीन मीटिंग हुई है जिसको वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कराया चेयर कराया और ये मीटिंग का नाम क्या है हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग ठीक है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग एक तो होता है जिसके अंदर मोदी साहब जाते हैं पीएम मोदी जाते हैं ठीक है थीके? वो एस की जब सबसे बड़ी मीटिंग होती है दूसरे नंबर की मीटिंग यही होती है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इस मीटिंग के अंदर अभी वेंकैया नायडू गए हैं दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज़ एस इन द न्यूज राइट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट समिट लेवल पार्टनरशिप वॉज हेल्ड अंडर द इंडियाज चेयरमैन इंडिया की चेयरमैनशिप के अंदर ये हुई पहली बार जब पहली बार इंडिया जब 2017 के अंदर इसने इंडिया ने फुल मेंबरशिप ली थी ठीक है उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इसको चेयर करा है दैट इज अ थिंग ठीक है और किसको चेयर करा है ये काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट को चेयर करा है इंडिया ने राइट आई होप दिस इज क्लियर तो देखो काउंसिल ऑफ़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट ठीक है इज एसो सेकेंड हाइएस्ट बॉडी सेकेंड हाइस्ट बॉडी है ठीक है दैट डील्स विद द ग्रुपिंग ट्रेड एंड द इकोनॉमिक एजेंडा बिसाइड अप्रूविंग इट्स एनुअल बजट एनुअल बजट अप्रूव करने के साथ साथ इसका एक और काम है कि इकोनॉमिक और ट्रेड एजेंडा पे बात की जाए ये इसका काम है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट का राइट तो देखिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इसका पार्ट है तो देखो रशिया कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान किर्गिस्तान और पाकिस्तान इंडिया एंड चाइना दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो सेंट्रल एशिया इसको ऐसे याद करना बच्चों सेंट्रल एशिया माइनस तुर्कमेनिस्तान ठीक है तुर्कमेनिस्तान माइनस हो गया तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ताजाकिस्तान और किर्गिस्तान आ गया ठीक है प्लस इंडिया पाकिस्तान और चाइना तो है ही और रशिया भी है ठीक है तो ये आपको इजीली याद हो सकता है ठीक है आपको याद रखना है सेंट्रल एशिया मानी माइनस तुर्कमेनिस्तान और आईपीसी की धारा ठीक है और आर से क्या है यहां पे रशिया है राइट right? तो ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए इज दिस क्लियर का क्या है बच्चों देखो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इस बार जी ट्वेंटी का क्वेश्चन आया था ठीक है क्या क्वेश्चन आया था जी ट्वेंटी का इस तरह का क्वेश्चन आया था कौन सा इसके अंदर जी ट्वेंटी का मेंबर है प्लीज आंसर दिस करेक्टली बताएं इसका आंसर क्या है ठीक है आई होप कि आपको आंसर पता हो क्योंकि पिछले साल ही क्वेश्चन आया ठीक है इसी साल क्वेश्चन आया था ये ठीक है प्रिलियम्स के अंदर प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट कैन बी एस हो सकता है कि यहां पर अगला एस हो तो so, एस क्या है ठीक है सेंट्रल एशिया माइनस तुर्कमेनिस्तान प्लस आईपीसी आईपीसी की धारा इंडिया पाकिस्तान चाइना और रशिया ठीक है दिस इज वॉर दिस इज द एस सी ओ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज राइट चलिए अबाउट एस सी ओ एस सी ओ का क्या है इट इज़ परमानेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों इसमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है ये समझो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी है पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है तो ये पूछेंगे तुमसे क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ही है क्या एस सी ओ नहीं भाई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है और ये क्या है शंघाई के अंदर बनी थी टू थाउजेंड वन के अंदर ठीक है तो अब हम समझते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है जिनकी खुद की एक मिलिट्री बॉडी हो क्या SCO की एक मिलिट्री बॉडी है यस दैट्स दैट्स इट 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 इज़ इज़ नोन नोन एज एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हैज़ अ बॉडी दैट इज रेड्स रीजनल एंटी टेररिस्ट जो सिस्टम है ये एक बॉडी है जो कि इसकी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज इंपॉर्टेंट राइट तो रीजनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इशूज सेपरेशन सेपरेटिज्म आर इट्स मेन फोकस रिलीजन एक्सट्रीमिज्म ये सब चीज़ें इसके मेन फोकस होते हैं किसके एस के ठीक है और एस यू ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पाकिस्तान ज्वाइन द एस यू ऑर्गेनाइजेशन इन 2015 2015 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करा था एस सी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है और फुल मेंबर कब बने थे फुल मेंबरशिप कब मिली थी इसको 2017 के अंदर अस्थाना कजाकिस्तान ये भी आपको है कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हुई अब इसको कैसे याद करोगे बच्चों इंडिया पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हुई लड़ाई होने के बाद ये थाने गए और थाने में इनका क्या हुआ पैचअप हो गया थाने में पैचअप हो गया और उनको एस मेंबरशिप के अंदर फुल मेंबरशिप मिल गई अस्थाना थाना कजाकिस्तान ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन के अंदर इंडिया टू में आया और सबसे पहली बार चेयर करा है इसने ठीक है तो चलो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज क्या है चाइनीज और रशिया इज द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज दिस कैन ना ऑल्सो विद क्वेश्चन और आपको ये भी याद रखना होगा ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं ऑब्जर्वर स्टेट है ईरान मंगोलिया बेलारस एंड अफगानिस्तान ठीक तो है तो यह आपको इसके अंदर याद रखना होगा ईरान मैंगलोर, मंगोलिया और बेलारस एंड अफगानिस्तान दिस आर द ऑब्जर्वर स्टेटस ये एस सीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको इसके अंदर कवर करना है ठीक है लाइक दिस वीडियो आपके सितंबर के बाद की वीडियो भी हैं क्या करंट अफेयर्स के नो no. ये दिस इज द फर्स्ट कंपाइलेशन वीडियो और जो डेली क्लासेस चलती हैं इन वीडियोस की वो चलती हैं स्पेशल क्लासेस के अंदर आप लिंक ले सकते हैं स्पेशल क्लासेस का कहाँ से लेंगे एक ग्रुप है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जनरल स्टडीज़ विद देवराज वर्मा ठीक है उसको ज्वाइन करो डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप उस पर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑफ माई क्लास विल बी देयर और इसका पी जिसको चाहिए वो वो ग्रुप ज्वाइन कर ले जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड टू यू जस्ट जॉइन दैट ग्रुप जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा ठीक है चलिए तो शंघाई कार्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेट्स ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एंड दैट मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है हैडक्वार्टर कहा है ताशकंद के अंदर हेडक्वार्टर है उज्बेकिस्तान के अंदर मतलब एस वाले मिलकर है ना सब सब मिलकर एस वाले ताश खेलते रहते थे ठीक तो है तो हेड क्वार्टर क्या है ताशकंद अच्छा ये बताओ इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों कब आए थे फुल मेंबर्स कब हुए थे और कहाँ पर हुए थे जल्दी से बता दो एस ऑर्गेनाइजेशन इज दिस वन ठीक है की हाइलाइट्स क्या है की हाइलाइट्स इसने इंडिया ने ऐसे कहा कि एस सी स्टेट्स टू एनफोर्स इंटरनेशनली रिकॉगनाइज लीगल स्टेटस ठीक है स्टेच्यूट्स uh, ठीक है फॉर द सेफ हेवेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल नेटवर्क सपोर्टिंग टेररिज्म इस टेररिज्म के अगेंस्ट में हमको क्या करना होगा एक लीगल स्टेच्यूट्स बनाने पड़ेंगे लॉस बनाने पड़ेंगे सबको मिलकर जिससे कि इन सब चीज़ों को हटाया जा सके टेरिस के सेफ हेवेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनेंशियल नेटवर्क सपोर्टिंग टेररिज्म अब कहेंगे सर पाकिस्तान भी है यहाँ तो पाकिस्तान तो सेफ़ हेवन ही है किसका टेररिज्म का तो हम कहेंगे भाई इंडिया इसमें बोल रहा है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही ये होगा अगर ये बना देते हैं तो बट एस सी ओ मेंस ट्रेस द नीड टू फॉर्म द रिफॉर्म डब्ल्यू टीओ इंक्लूडिंग बाई इम्प्रूविंग फंक्शन नेगोशिएशन मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये सब चीजें करना चाहिए हमने कहा था दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट इज इम्पोर्टेंट इज एस सी ओर्गेनाइजेशन ये इम्पोर्टेंट है राइट right? चलो इंडिया रिफ्यूज टू सपोर्ट हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया ने कहा कि भाई देखो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको हम नहीं करेंगे वन बेल्ट वन रोड वाले को हम नहीं सपोर्ट करते क्यों नहीं कर सपोर्ट करते क्योंकि चाइना तुम यहाँ पे कर रहे हो बदमाशी क्या बदमाशी कर रहे हो कि चाइना क्या कर रहा है अपने जी जियांग प्रोविंस के से यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से निकाल कर एक कॉरिडोर बना रहा है जिसको बोला जा रहा है सी पैक कॉरिडोर हमें क्या दिक्कत है अरे भाई क्यों दिक्कत नहीं होगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा ही तो है ये पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है तो चाइना ऐसा कैसे कर सकता है कि यहाँ से कॉरिडोर निकाल दे हमारी बिना परमिशन के दूसरा इस कॉरिडोर का नाम देखो क्या लिख रखा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कल को अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की कोशिश करेंगे तो चाइना विल इंटरफेयर इन दिस वन क्योंकि हमारा कॉरिडोर इधर से जा रहा है तो आप यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते इस एरिया को इस तरह से चाइना कहेगा तो हमने कहा कि जो जो और सी पैक इज़ ए पार्ट ऑफ वन बेल्ट एंड वन रोड तो हमने कहा जहाँ पर वन बेल्ट वन रोड है वहाँ पर हमको कदम ही नहीं रखना है ठीक है हम वन बेल्ट वन रोड को सपोर्ट ही नहीं करेंगे ठीक है सी पैक क्योंकि सी पैक इज़ ए पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड तो हम पूरे वन बेल्ट वन रोड को हम सपोर्ट नहीं करेंगे बाकी कंट्रीज का क्या कहना है बाकी कंट्रीज ने कहा कि हम तो बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो इंडिया रिफ्यूज़ टू सपोर्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट विच वॉज बैक बाय द अदर ऑल द मेबर्स ऑल अदर मेम्बर्स आर रेडी फॉर दिस वर्ल्ड तो ऐसा भी आ सकता है बच्चों वेरी गुड 2017 थाउजेंड अस्थाना वेरी वेरी गुड राइट तो सब सभी बच्चे देखिए इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर चैट सेक्शन के अंदर कम से कम कमेंट करें जिससे कि आपको याद रहेगा मेन पर्पज़ ये है कि हमको याद रहना है ट्रिक्स हम जो बता रहे हैं वो याद रखने के लिए रहे हैं ठीक है ये जो चीज़ें बता रहे हैं वो याद रखने के लिए बता रहे हैं है, है। आपसे कह रहे हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे कि आपको याद हो जाए इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है आप सभी पार्टिसिपेट करें इसके अंदर तब जाकर आपको सबको याद हो जाएगा ठीक है देखो पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड टटल ठीक है ये ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हैज़ बिन रेस्क्यूड फ्रॉम फिश मार्केट इन आसाम सिलाचार ठीक है आसाम के अंदर से फिश मार्केट के अंदर से इसको रेस्क्यू किया गया है जिंदा रेस्क्यू किसको किया जाएगा जिंदा को ही किया जाएगा मरे को तो नहीं किया जाएगा और ये क्या है पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल ठीक है तो देखो इसका जो आप पीठ देखेंगे पीठ क्या है एक तरह से पिकॉक की तरह है ठीक है पिकॉक के कलर की तरह दैट्स वाई इसको बोलते हैं पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल राइट तो इसके अंदर देखो लार्ज हेड होता है स्नॉट होता है ओलिव कलर का होता है ओलिव टू डार्क ग्रीन कलर का होता है येलो रिम होती है इसकी अगर यहाँ पे देखें तो ये रिम जो है इसकी वो है येलो रिम है हेड एंड द लिम्स आर ओलिव ग्रीन्स एंड फोर हेड हैज डार्क रेटिकुलेशन एंड लार्ज येलो ऑरेंज पैचेस और द स्पॉट्स ठीक है तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा 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 जानवर है तो ये कौन कौन सा कौन सा जानवर है तो आपको बताना है पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल का ये है राइट right? अभी क्या है फीमेल जो टर्टल है इसके अंदर हैव शॉर्ट टेल्स उनकी छोटी सी पूछ होती है देन द मेल काउंटर पार्ट्स मेल की बहुत बड़ी पूछ होती है फीमेल्स की छोटी सी पूछ होती है तो आई होप दिस इज अ फीमेल ठीक है छोटी सी इसकी पूछ है राइट right? तो फीमेल टर्टल्स हैव शॉर्टर टेल्स देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स राइट हैबिटाट क्या है इसका इंडिया बांग्लादेश एंड पाकिस्तान तो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब जो इंडिया पहले था ना उस वो कंट्री थी इंडिया पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इसके अंदर पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल इसके अंदर रहता है राइट इन इंडिया इट कैन बी फाउंड इन द नदर सेंट्रल पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट दिज आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर लेक्स स्ट्रीम्स लेक्स पॉन्ड्स एंड मर्ड एंड सैंड बॉटम्स, यहाँ पर ही यह पाया जाता है इसका हैविडार्ट यहाँ पर इस तरह से पाया जाता है राइट right? इसका जो स्टेटस है दैट इज वलरेबल स्टेटस है क्यों वल्नरेबल स्टेटस है देखो पिकॉक भी है और क्या है पिकॉक का भी वजन उठा रखा है खुद टर्टल ने इसकी पीठ के ऊपर पिकॉक बैठा है ऐसे याद रखो तो इसकी हालत जो है ना बहुत ही वल्नरेबल हो रखी है ठीक है दैट्स वाई इसका स्टेटस क्या है इसका स्टेटस वल्नरेबल है सो दिस इज अबाउट वाट दिस इज अबाउट द पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल आपको ये याद रखना है पिकॉक भी है टर्टल भी है ऐसे समझो कि इसकी पीठ के ऊपर पिकॉक बैठा है तो इसकी हालत बहुत ही खराब हो रखी है दैट्स वाई वल नरेवल वर्ल नरेवल इन इट्स नेचर ठीक है अगर आपको अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोल रहे हैं अगर आपको आयु सी एन स्टेटस याद करना है ना बच्चों तो बहुत औसम awesome ट्रिक से मैंने आयु सी एन स्टेटस लर्न करवा रखे हैं बच्चों को पिछले साल के करंट अफेयर्स के अंदर ठीक है तो आप सिर्फ ये डालो आयू सी एन स्टेटस आगे मेरा नाम लाल देवराज वर्मा और आपका वो वीडियो हो जाएगा दैट वीडियो सो ऑसम कि आपको देख कर मजा आ जाएगा सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स में सारे आयू सी एन स्टेटस आपके टिप्स पे होंगे ठीक है बहुत ही अच्छी ट्रिक्स उसके अंदर यूज करिए ठीक है सो दिस इज अबाउट वट दिस इज अबाउट द पिकॉक्स सॉफ्ट शेल्ट टर्टल राइट अब देखो इसराइल ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कराए भूटान से अब भाई इसमें क्या है इसराइल को भूटान से क्या काम इसराइल को हर कंट्री से काम है बोले क्यों क्योंकि इसराइल चाहता है कि मेरे को जितना रिकॉग्निशन मिले ना जितना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला उतना अच्छा है मेरे लिए क्यों क्योंकि इसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करता बिकॉज ये जो है ना इसराइल इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो लोग रहते हैं जूस ठीक है इन लोगों ने पेलस्टीन एरिया जो था उसको धक्का मार मार के कोहनी मार मार के साइड कर दिया है और खुद बन गए हैं और पेलस्टीन को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पैलेस्तीन को दे दिया और बाकी सारा इसराइल उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया तो इनको क्या है कोई भी रिकॉग्निशन नहीं देता क्योंकि इन्होंने एनेक्स कराया है पलस्तीन को अरब वर्ल्ड तो बहुत मुश्किल से इनको रिकॉग्निशन दिया है पर देखिए अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ इनको रिकॉग्निशन दे दी हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ दे दी हैं ये भी आपको देखना होगा ठीक है तो क्योंकि पैलस्तीन जो थे वो अरब मुस्लिम थे अरब कंट्रीज़ इनसे क्या है खफा रहती है कि आपने हमारे भाइयों को धकेल कर आप इसके अंदर आ गए एंट्री मार दी है तो दैट इज़ नॉट राइट बट इसराइल क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज इतना स्ट्रॉन्ग हो गया बच्चों वेदर इट इज स्पेस टेक्नोलॉजी वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो इसराइल के अंदर सारी टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी तो इस कारण से फॉर दैट रीज़न इसराइल का इसराइल के पास सब डिप्लोमेटिक रिलेशन करना चाहते हैं तो देखिए रिसेंटली इसराइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद द भूटान बहुत ही जल्दी जल्दी इसराइल क्या कर रहा है सबसे डिप्लोमेटिक टाइज करता जा रहा है द डेवलपमेंट कम्स टू डेज आफ्टर द इराइल एंड मोरक्को एग्रीड टू नॉर्मलाइज द टाइज इसराइल ने भी कर लिया इसराइल और मोरक्ल जो है इन्होंने क्या करा है टाइज को एग्री कर लिया ये भी हो गए तो देखिए यूएसए है ना यूएसए के अंदर ट्रंप ट्रम्प चाहता था कि इसराइल को सब रिकॉग्नाइज कर दे पर कोई इसको ही रिकॉग्नाइज नहीं करा और ट्रंप चला गया है और बाइडन आ चुके हैं ठीक है ठीके? तो ट्रंप ने इसराइल का बहुत साथ दिया है इवन इसराइल के साथ साथ इसराइल को बहुत सारे लोगों से इन्होंने क्या करा कॉन्टैक्ट में लाकर चला गया राइट तो देखो मोरक्को बिकम द फोर्थ अरब कंट्री फोर्थ अरब कंट्री आफ्टर यू बहरीन सूडान इनके बाद चौथी ऐसी कंट्री है मोरक्को जो कि क्या है पास्ट फोर मंथ में इसराइल की हॉस्टेलिटीज़ को असाइड करके इसको डिप्लोमेटिक स्टेटस दे दिया है दिस वन मोर कंट्री इन द अरब वर्ल्ड वेस्ट एशिया के अंदर एक और कंट्री है बच्चों कौन सी कंट्री है ये बताओ देखो ये तो पास्ट फोर मंथ ये देखो पास्ट फोर मंथ के अंदर चार कंट्री यू बहरीन और सूडान इन्होंने दे दिया है ठीक है यू बहरीन और सूडान ठीक है और मोरको ने तो पहले मोरको ने अभी दे दिया है ठीक है तो चार महीने में देखो इसका क्या मस्त इसके पास जो है इसराइल के पास मस्त रिकॉग्निशन मिल गया इसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मेरा क्वेश्चन ये है एक और कंट्री है अरब कंट्री है एक और जिसने इसराइल को रिकॉग्निशन दिया है कैन एन लेट मी नो वट इज द नेम ऑफ दैट अरब कंट्रीज प्लीज लेट मी नो अरब कंट्री का नाम क्या है जल्दी से बताओ इजिप्ट वेरी गुड दैट इज इजिप्ट इजिप्ट इज द कंट्री ठीक है तो ये पांच कंट्रीज हैं इनको याद कर लो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आई एम बेटिंग यू कि इस इस जो भी आ, अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आता है तो आज के लेक्चर्स में एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा क्योंकि सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हम कवर कर रहे हैं ठीक है चलिए अब देखो इसराइल जो है ना बॉर्डर करता है ये भी याद रख लो इसराइल बॉर्डर करता है किससे पांच कंट्रीज से बॉर्डर करता है लेबननन सीरिया जॉर्डन एंड इजिप्ट है ना चार कंट्रीज से बॉर्डर करता है पांचवा खुद है इसराइल तो इसको कैसे याद करोगे बच्चों देखो पूरा मैप अगर आपको याद करना है अगर आपको बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना पूरा मैप आपको ऐसे टिप्स पे याद करना है ना ठीक है टिप्स पे तो आप मुझे बता अगर कहाँ पे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट सेक्शन नॉट इन द चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन के अंदर अभी भी कई बच्चे चैट सेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे ठीक है कमेंट सेक्शन के अंदर आप को बता दीजिएगा आई विल मेक अ वीडियो बिकॉज का ये चैट सेक्शन रहता नहीं है तो अगर 50 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए कि इस तरह से सर हमको पूरा मैप याद कर दे तो आई विल डू दैट ठीक है अब देखो कैसे याद करते हैं इज़राइल है तो ऐसे समझो इज़राइल इज ए पर्सन एक पर्सन है जिसके सर के ऊपर है ना लैब है है ना सर के ऊपर लैब है तभी तो ये इतना इंटेलिजेंट है इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें इसी कर देते हैं सर के ऊपर लैब रखी हुई है और नीचे ये क्या पड़ा है नीचे जीप में बैठा ये, ये जीप है ठीक है जिप्सी जीप है ये ठीक है और इसके दो फ्रेंड इसके साथ एक और दो एक है रिया रिया नाम की दोस्त है इसकी एक है जॉर्डन जोरदार दोस्त है जॉर्डन ठीक है तो ये देखो ऊपर हो गया लेबनन नीचे हो गया इजिप्ट जिप्सी से क्या रखोगे इजिप्ट रिया सीरिया और यहां पर ये यह क्या है जॉर्डन ठीक है सो ये आपको इस तरह से याद करना है कि इसराइल जो है इसी तरह से आपको सारे मैप हम याद करा सकते हैं इसराइल जो है इसके सर पे क्या है लैब तभी तो इतने ज़्यादा जूस इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज ये स्ट्रॉन्ग है नीचे क्या है बच्चों नीचे है इसकी जीप ओके जिप्सी जिप्सी भी बैठ के जा रहा है और दो इसके दोस्त, दोस्त हैं कौन कौन दोस्त हैं रिया ठीक है और एक है इसका दोस्त दैट इज़ जॉर्डन दैट यू हैव टू लर्न और ये हो गया पूरा का पूरा इसराइल की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में आई बैट यू राइट सो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न द थिंग्स राइट तो नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लाई एम्प्लॉयर मैपिंग ठीक है असीम असीम क्या है देखो देखो बच्चों आपने देखा था कि भाई देखो जैसे ही लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा माइग्रेंट्स की क्या हालत हो गई थी पैदल पैदल बेचारे घर जा रहे हैं ठीक है ठीके? क्यों गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर पाई ये समझना हमारे लिए जरूरी है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं था मान लीजिए कि कोई एक लेबर है वो यूपी से आया कहाँ पर यूपी से आया महाराष्ट्र के अंदर ठीक है जॉब करने के लिए ठीक है या फिर राजस्थान से आया महाराष्ट्र के अंदर माइग्रेंट लेबर है यहाँ पर जॉब कर रहा है मस्ती से ठीक है बट यहाँ पर इसको कोई है ना कोई भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे आप बोलेंगे सर क्यों नहीं मिल रहे क्योंकि इनके पास आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है ठीक है इनके पास डेटा ही नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कि कितने लोग यूपी से आए ठीक है कौन लोग यूपी के हैं कौन लोग नहीं है ये कोई डेटा ही नहीं अब जब तक तो डेटा नहीं होगी तो स्कीम नहीं मिलेगी तो अभी क्या है असीम पोर्टल जो होगा ना असीम पोर्टल वो ट्रैक करेगा ट्रैक करेगा कि कौन सा लेबर कहां पर अभी काम कर रहा है उस चीज को ट्रैक करेगा दैट इज नोन एज असीम पोर्टल ठीक है तो देखो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग सिस्टम ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर और क्या चीज होगा ये समझो कि इसके अंदर है ना एक तरह से यह लिख रखा होगा कि भाई ये देखो एम्प्लॉयर है जिसको जरूरत है और ये है एम्प्लॉय जो काम करेगा ठीक है जैसे मान लो किसी को एसी वाले की जरूरत है ठीक है किसी कंपनी को एसी वाले की जरूरत है कि हमारी एसी की कंपनी है एसी की फिटिंग वाला कोई पर्सन हमें मिल जाए तो मजा आ जाए तो यहां पर आएगा कि इसको रिक्वायरमेंट है और यहां पर आएगा एम्प्लॉयर ठीक है एम्प्लॉय एम्प्लॉय यहां पर ये पर्सन अवेलेबल है आप आकर इनसे क्या कर सकते हो कांटेक्ट कर सकते हो ठीक है तो ये एक तरह से क्या होगा एक तरह से पोर्टल बना रहे गवर्नमेंट किसकी सुविधा के लिए दोनों की सुविधा के लिए एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर की सुविधा के लिए, लिए, लिए दोनों के लिए एक पोर्टल बना रहे तो गवर्नमेंट हज डिसाइड टू क्रिएट ए डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इंक्लूडिंग वर्कर्स इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी इससे क्या होगा इससे आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बने मैपिंग बनेगा असीम मैपिंग ठीक है तो इट इज एन ए आई बेस्ड ए आई क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम के अंदर इसके पास इंफॉर्मेशन रहती है विच विल मैप डिटेल्स ऑफ द वर्कर बेस्ड ऑन द रीजन लोकल इंडस्ट्री डिमांड्स एंड विल ब्रीज द डिमांड एंड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस द सेक्टर ठीक है जिसके अंदर ये सब चीज होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड आपके पास क्या है आपके पास एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय अवेलेबल है तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली यहां से क्या कर सकता है इनको कॉन्टैक्ट करके रिक्रूट कर सकता है राइट असीम रेफर्स टू ऑल डेटा ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स विच डिस्क्राइब द वर्क फोर्स मार्केट एंड मैप डिमांड्स ऑफ द स्किल वर्क फोर्स टू सप्लाई ठीक है डिमांड को सप्लाई से मैप करेगा इट इज़ डेवलप एंड मैनेज बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन करता है इसको पता है आपको एन इसको करेगा असीम पोर्टल को ये आपको याद रखना है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन कोलाबोरेशन विद बंगलौर बेस कंपनी बेटर प्लेस बेटर प्लेस की कंपनी जो होगी बेंगलौर बेस ये उसको करेगा तो दिस इज वाट दिस इज नोन एज असीम ठीक है इज दिस क्लियर टू एवरी ठीक है तो मुझे बताओ पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल आयु स्टेटस बता दो फटाफट आयु स्टेटस बता दो और कौन कौन कंट्री में पाया जाता है उसके फर्स्ट लेटर लिख दो वन टू थ्री तीन कंट्री में पाया जाता है तीनों के फर्स्ट लेटर लिख दो जल्दी से फटाफट ये बताओ पिकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल इन द चैट सेक्शन कॉमन बच्चों देखते हैं कौन सबसे पहला बताता है फर्स्ट आंसर कौन देता है देखते हैं Uh, देखते हैं पहला आंसर कौन देता है जल्दी से पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल फटाफट वलनरेबल एंड विच कंट्रीज कै कशा इज द विनर वल्नरेबल एंड विच कंट्री कंट्रीज बता दो तीन कंट्रीज थी आई पी बी अगेन कहकशा इज द विनर ठीक है तो कहकशा एक चॉकलेट खा लेना मेरी तरफ से ठीक है खरीद के इट विल आल्सो प्रोवाइड रियल टाइम ग्रेनुलर इन्फॉर्मेशन बाई आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट स्किल रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स ठीक है सो दिस इज वॉट यू हैव टू अंडस्टैंड नेक्स्ट इज विज़न ट्वेंटी थर्टी फाइव अब देखो ये विजन ट्वेंटी थर्टी फाइव क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया ठीक है कि पब्लिक हेल्थ कैसी है आपकी ठीक है कि पब्लिक हेल्थ कैसी है मान लो कितने लोगों को क्या है कितने लोग आ, की बीमारी से इनके अंदर क्या होगा लोगों का चेकअप किया जाएगा और चेकअप करके पता लगाएगा कि क्या हमारी पब्लिक हेल्थ है उसका सर्विलेंस करा जाएगा पब्लिक हेल्थ का सर्विलेंस करा जाएगा तो देखो रिसेंटली नीति आयोग हैज़ रिलीज अ वाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया विच इज एनविज टू सर्व एज ए विजन डॉक्यूमेंट टू प्रोपेल पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन द एरिया इस एरिया के अंदर क्या है ग्लोबल लीडर बनने के लिए कि पब्लिक सर्वेलाइंस करें इंडिया किस तरह से पब्लिक सर्वेलाइंस करें ये नीति आयोग ने कराया तो क्वेश्चन कैसा आता है विजन 2035 इज इस ठीक है रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन आएगा ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ओ ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग ठीक है या फिर आपका हो सकता है नीति आयोग या फिर कोई भी एक और ऑर्गेनाइजेशन और लेबर मिनिस्ट्री इस तरह से हो सकता है तो भाई देखो ये जो है विजन 2035 नीति आयोग ने कराए ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक है तो देखो अब और व्हाइट पेपर व्हाइट पेपर के अंदर ये बताया कि ज्वाइंट इफर्ट ऑफ इस व्हाइट पेपर को कौन कौन ने ज्वाइंट इफर्ट करा इसका हेल्थ वर्टिकल्स ये एक इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोवा कनाडा विद कंट्रीब्यूशन विद टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन सबने कि पब्लिक हेल्थ का सर्विलेंस कैसा किया जाए ये हमको इसके अंदर देखना होगा राइट तो देखो इट लेट्स आउट इंडिया विजन टू ट्वेंटी फॉर पी थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टायर्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन द आयुष्मान भारत अच्छा इससे पहले पढ़ने से पहले थंग था थंग था कौन सी कंट्री का कौन सी स्टेट का है जल्दी से बताएं इट कंट्रीब्यूट्स बाय सजिस्टिंग मेन स्ट्रीमिंग ऑफ सर्विलेंस बाई मेकिंग इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स द बेसिस ऑफ सर्विलेंस कि इंडिविजुअल के हेल्थ रिकॉर्ड को सर्विलेंस पे लगाते हैं इसके अंदर इसको देखते हैं ठीक है कि उसको बेसिस ऑफ सर्विलेंस हम मानते हैं ठीक है कि भाई देखो इसके अंदर क्या है कि कौन सा जो है कौन कि, कितने परसेंट जो है पब्लिक हेल्थ की क्या सर्विलेंस है मतलब किस तरह की हमारी पब्लिक हेल्थ है उसका सर्विलेंस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इसके अंदर इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं उसके हेल्थ रिकॉर्ड को देखा जाता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं विजन ट्वेंटी ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस कौन कर रहा है नीति आयोग कर रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट राइट चलिए नेक्स्ट इज गॉट डंकी पिग क्या है भाई ये हिमालयन सीरो क्या है हिमालयन सिरो क्या है इसके बारे में ये है तो हम पढ़ते हैं हिमालयन सिरो के बारे में अभी ये क्यों है क्योंकि बहुत ही शर्मिला एनिमल है ठीक है क्यों शर्मिला है आई विल लेट यू नो और हिमालयन सिरो अभी स्पीति वैली के अंदर देखा गया इसके अंदर देखा गया है तो ये कहाँ से दिख गया ये अनएक्सपेक्टेड एरिया के अंदर कैसे दिख गया ये ये हम देखते हैं ये बहुत ही ऊंचाई पर रहते हैं बच्चों इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई है बच्चों लाइफ के अंदर ठीक है और वो ट्रेजेडी क्या है आई विल लेट यू नो ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड हिमालयन सीरो हैज बिन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिमालय कोल्ड डेजर्ट एरिया कोल्ड डेजर्ट एरिया के अंदर इसको देखा गया देखते ही फोटो खींच ली इसकी ठीक है क्यों इसको देखना इतना दुर्लभ क्यों है क्योंकि ये क्या है कि जनरली ये बहुत हाइट पर रहता है टू थाउजेंड किलोमीटर ऊपर रहता है ये जनरली राइट तो देखो बाय अब ये ऐसा क्यों रहता है ये दुनिया के अंदर से ऐसा रु, 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 रुआसा क्यों हो गया दुनिया से और दुनिया से तितर बितर होकर दूर क्यों चला गया इसका एक रीजन है देखो बच्चों कि ये क्या है हिमालयन सीरो जो है ना वो मिला है गोट या फिर पिग या फिर काऊ प्लस पिग या फिर डंकी प्लस पिग इनके क्रॉस से मिलकर ये बना है क्या ये मिला है हिमालयन सिरो तो इसे नहीं पता कि पिग के अलावा इसका दूसरा पेरेंट कौन है गोट है कि काऊ है कि डंकी है इसको नहीं पता कि दूसरा जो पार्टनर है दूसरा इसका फादर या फिर मदर ये कौन है गोट है कि डंकी है कि काउ है इसको नहीं पता है कि दिस वाय ये बहुत शर्मिला है और ये दिखता नहीं है ठीक है ये बहुत ऊंचाई पे रहता है ये लोगों से दूर दूर रहता है क्योंकि कोई इसके पेरेंट का नाम पूछ ले तो ही विल गेट कंफ्यूज ये बोलेगा पिक तो सुना है शायद मम्मी पिक थी ठीक है पापा क्या थे ये नहीं पता डंकी थे कि गॉड थे कि कौ थे हमें नहीं पता ठीक है मीडियम साइज मेमल है विथ लार्ज हेड थिक नेक शॉर्ट लिम्स लॉन्ग म्यूल लाइक ईयर्स ईयर्स एंड द कोट ऑफ डार्क ईयर ठीक है इसके अंदर ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए राइट हिमालयन सीरो और द थार इसको ये भी बोलते हैं इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीज़न सिर्फ हिमालय की पहाड़ियों पे रहता है ये 2000 से 4000 हजार मीटर्स ऊंची पहाड़ियों पे ये रहता है 2000 से 4000 मीटर ऊंची पहाड़ियों पे नीचे आता ही नहीं है क्योंकि आता है तो लोग उससे सवाल पूछते हैं बताते रहे पेरेंट्स का नाम ठीक है और ये कन्फ्यूज हो जाता है ठीक है दे आर नोन टू बी ईस्टर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयस बट नॉट इन द ट्रांस हिमालयस ट्रांस हिमालयस के अंदर नहीं पाया जाता ईस्टर्न सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय के अंदर पाया जाएगा पर ट्रांस हिमालय के अंदर ये नहीं पाया जाता ये आपको इसके अंदर लर्न करना होगा राइट तो क्या है कि हिमालयन सिरोज हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन साइज ए रेंज हैबिटाट इन सब के अंदर क्या है डिक्लाइन देखा गया है कि इनका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है इन तो everyone, okay सब के अंदर राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन इज दिस ओके टू एवरी वन प्लीज लेट मी नो सबको समझ में आ रहा है बच्चों <coughs> तो देखो पॉपुलेशन साइज रेंज साइज और हैबिटाट इन द लास्ट डिकेड एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू द इंटेंसिव ह्यूमन इंटरवेंशन इंटेंसिव ह्यूमन इंटरवेंशन के अंदर ये है राइट चलिए स्टेटस क्या इसका? है इसका वलरेबल क्यों स्टेटस वल्लरेबल है क्योंकि ऑब्वियसली इसको अपने पिताजी का नाम नहीं पता है ठीक है क्योंकि इसको ये पता है कि मेरे एक पेरेंट तो पिक था और बाकी नहीं पता इसको तो दैट्स वाई इट इज़ वेलरेबल और ये शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है विच प्रोवाइड एब्सुलूट प्रोटेक्शन एब्सुलूट प्रोटेक्शन इसके अंदर इसको प्रोवाइड किया जाता है राइट चलिए अकॉर्डिंग टू आयु सी एनवर्युसीन स्टेटस आयु सी एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर हिमालय द पॉपुलेशन एंड ये ये अपन ने देख लिया इसके अंदर ठीक है अच्छा चलो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो फटाफट फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं लाइव डिवी द कोड दैट यू हैव टू यूज़ अगर आप फ्री क्लासेस फ्री क्विजेस टेन परसेंट डिस्काउंट चाहते हैं प्लस कोर्स के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर आपको टेन परसेंट डिस्काउंट चाहिए तो आप लाइव डी कोड यूज़ करिए वेदर इट इज एस एस सी वैदर इट इज़ बैंक एग्जामिनेशन वेदर इट इज़ यू पी एस सी वैदर इट इज आर पी एस सी वैदर इट इज कोई भी पी एस सी एग्जामिनेशन लाइव डी कोड यूज़ करो और टेन परसेंट डिस्काउंट पाओ फ्री क्विजेस फ्री क्लासेस होती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कापरेशन ओ क्या है दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग तो बच्चों ओ क्या है देखो इस्लामिक कापरेशन इससे कंफ्यूज मत हो जाना सिर्फ इसके अंदर मुस्लिम वर्ल्ड नहीं होते और भी होते हैं मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री नहीं होते और भी कंट्री हाँ ये जरूर है कि ओ जो होती है ना उसका जो काम होता है उसका काम जो होता है वो मुस्लिम वॉइस को प्रोटेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मुस्लिम वॉइस को प्रोटेक्ट करना और आपको पता है दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओम माई गॉड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या अच्छा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो फर्स्ट कौन है फर्स्ट यूनाइटेड नेशन है और कौन है 193 मेंबर्स के साथ यूनाइटेड नेशन है ओ आई सी द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये क्या है इस्लामिक कॉपरेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ के लिए ये है नहीं इंडिया कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट इंडिया इज़ नॉट द पार्ट बाय द वे बट इंडिया कैन बिकम द पार्ट तो कोई भी कंट्री इसका पार्ट बन सकती है बट इसका जो मेन एम है ये ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड का वॉइस ये है उनकी आवाज ये है उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इज दिस ओके वॉट इज द ओ आई सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन राइट तो देखो अभी क्या हुआ है इट इज इन द न्यूज क्योंकि इंडिया ने लताड़ा है किसको ओ आई सी को ओ आई सी को लताड़ा है कि तुम बार बार क्या बात है, है कि कश्मीर के ऊपर बार बार सेंटेंस देते रहो तो ठीक है ये सऊदी अरेबिया कतर ये अकेले में तो कभी नहीं बोलते तुम कि ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हो तो क्या हो जाता है इसके अंदर तो सऊदी अरेबिया बोलता है भाई देखो हम तो इसलिए बोलते हैं हम तो वैसे बोलना नहीं चाहते हम तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं कश्मीर पे, पर वो पाकिस्तान है ना पाकिस्तान पीछे पड़ जाता है हाथ धोकर इसलिए हम ओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हम बताते हैं तो हमने कहा भाई देखो ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा तुम ओ के अंदर कुछ और बोल रहे हो और हमसे बात कर रहे हो तो कुछ और बोल रहे हो और कौन है पाकिस्तान पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है ठीक है इस कंट्री को तुम क्यों इतना सुनते हो इतना सीरियसली लेते हो क्यों उसको ठीक है इस तरह से हमने को डाटा है किसको ओ को दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़ इंडिया हैज स्ट्रांगली रिजेक्टेड द क्रिटिसिज्म ऑफ कश्मीर पॉलिसी बाय द ओ जो भी ओ के मेंबर्स ने कश्मीर पॉलिसी के ऊपर क्या करा है क्रिटिसिज्म करा है इंडिया ने कहा है नक्को इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते द फोर्टी सेवन सेशन ऑफ ओ अभी नाइजर के अंदर हुआ है इट हैज़ मेड अ रेफरेंस टू इंडिया ओवर इस पॉलिसी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर पॉलिसी के बारे में कुछ इन्होंने मुंह खोला था और हमने इनको लताड़ा कि मुंह थोड़ा सा बंद रखें पाकिस्तान के में आकर इस तरह की बातें ना करें ठीक है इस तरह से हमने कहा है तो ओ के बारे में पढ़ लेते हैं इतनी डाट खाया है अभी कंट्रीज तो उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन पढ़, पढ़ लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है 57 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ ऑर्गेनाइजेशन है कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड नॉट एसडली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री ऐसा नहीं कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हो इंडिया कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट बट इंडिया इज नॉट द पार्ट ठीक है तो ओ कंट्री ओ इस तरह से सेकेंड लार्जेस्ट है फिफ्टी कंट्रीज हैं जो कि फोर कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है राइट right? इंडिया इज़ नॉट द मेम्बर ऑफ द ओ आई सी हेड क्वार्टर जो ओ आई सी का है वो जेद है uh, के अंदर है कहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर राइट ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के अंदर होगा इस्लामिक कापरेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कापरेशन तो सऊदी अरबिया के अंदर ही होगा ठीक है ओ आई सी इज परमानेंट डेलीगेशन इन यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन यहाँ पर इसके परमानेंट डेलीगेशन हैं एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओ आई सी आर अरेबिक इंग्लिश एंड फ्रेंच ठीक है माई क्वेश्चन इज वॉट वर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एस सी ओ जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन एस के अंदर बताएं और एस की कंट्रीज़ भी बताएं कौन कौन सी कंट्रीज सिर्फ इनिशियल लेटर लिखकर चैट सेक्शन में मेरे को बताएं और इसी के साथ अपने एक घंटा पूरा होता है बिना किसी इफर्ट के कि अपन ने एक घंटे से ज़्यादा पढ़ाई अभी तक कर ली है तो बताएं जल्दी से कि एस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्री है जस्ट इनिशियल्स देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है जस्ट इनिशियल्स जिसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो बताएं मेरे को जल्दी से जल्दी से बताएं बच्चों एस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी पढ़ा है तुषार चाइना रशिया और जैसे याद करा था वैसे बताएं जल्दी से फार्मूला क्या बताया था जल्दी बताओ बच्चों तुक्का आईपीसीआर ये भी अच्छा है ठीक है तो हमने ऐसे करा था ना बट तो सेंट्रल एशिया माइनस तुर्कमेनिस्तान मतलब बाकी की चार कंट्री सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजाकिस्तान कजाकिस्तान ठीक है ये हो जाएगा ठीक है प्लस आई और आई क्या है इंडियन पिनल कोड इंडिया पाकिस्तान चाइना और फॉर रशिया ऐसे याद करा था ठीक है सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन बी इसी तरह से इसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज है 57 सेवन मेंबर कंट्रीज हैं इंडिया इज नॉट अ मेंबर ठीक है member, और इंग्लिश अरब एंड फ्रेंच दिस आर द ऑफिशियल लैंग्वेज चलिए नेक्स्ट इज नेशनल मेरी डोमेन अवेयरनेस नेशनल मेरी डोमेन अवेयरनेस क्या है देखो एक बना आई मैक आई मैक क्यों बना था जब छब्बीस ग्यारह का अटैक हुआ था ना हमारे पर तब आई आई मैक बना ठीक है आई मैक क्या है आई मैक जो है दैट इज वॉट दैट इज जब मुंबई अटैक हुआ था ठीक है तो आई मैक बना था ये क्या है कि देखो हमारी जो कोस्टल एरिया है ना दैट इज़ वेरी वेरी उसको सर्विलेंस में रखने की ज़रूरत है बच्चों देखो पाकिस्तान वालों ने क्या करा पाकिस्तान वालों ने देखो यार इतनी इनकी इतनी लंबी कोस्टल बॉर्डर है यहाँ से अपन क्या करते हैं घुसपैठिया बनकर जाते हैं ठीक है और बॉर्डर बॉर्डर एरिया जो है कोस्टल बॉर्डर एरिया उसको सर्विलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो हमने कहा कि इसका सर्विलेंस करने के लिए हम आई बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे दैट इज आई अभी आई क्या है एन के अंदर कन्वर्ट हो गई है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है

तो आई मैक क्या इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर नोडल एजेंसी फॉर द मेरी टाइम डेटा फ्यूजन ऑफ सेटअप बाई ट्वेंटी सिक्स इलेवन मुंबई अटैक मुंबई अटैक के बाद ये सेटअप हुई थी ये आपको याद रखना है आई मैक परफॉर्म्स अ वेरी क्रूशल रोल क्या क्रूशियल रोल करती है ये कलेक्टिंग शिपिंग इन्फॉर्मेशन शिप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न ट्रैफिक पैटर्न को एनालाइज करेगी एंड शेयरिंग द इनपुट्स विद द यूजर एजेंसी और फिर यूजर एजेंसी से ये क्या करेगी शेयर करेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है शिपिंग कौन से शिप कहाँ पर आया कोस्टल पे कितनी बार आया कैसे आया क्या क्या लाया ठीक है ये सब चीजें क्या हैं ये सब चीजें ये इकट्ठा करके आई किसको दे देती है आई एजेंसीज को दे देती है अब आई बन गई एन एम ठीक है चलिए तो देखिए द इट्स मेन सेंटर ऑफ द इंडियन नेवी फॉर द कोस्टल सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग इट इज लोकेटेड गुरुग्राम हरियाणा एंड बिकेम ऑपरेशन 2014 इट इज़ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इन तीन चीज़ों की जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन नेवी की कोस्टल गार्ड्स की और भारत इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इन तीनों की क्या है दिस इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव इट्स फंक्शन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एन के अंडर में ये फंक्शन करते हैं तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न वाट आई मैक और आई मैक अभी कन्वर्ट हो गया है एन एम डी ए के अंदर ठीक है दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़ अब क्या होगा एन जो होगा दैट इज़ अच्छा आई मैक जो है वो इट इज़ ए नोडल सेंटर फॉर द नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क इसका क्या है नोडल सेंटर है ठीक है नोड का मतलब क्या होता है नोड जिससे कलियां जैसे कली खिलती है ना तो कली के अंदर जो होती है नोड होती है और नोड से ही निकलते हैं ठीक है थीके? बहुत सारे इस तरह से तो ये नोडल एजेंसी है ठीक है मतलब ये इन सबका बेसिस एजेंसी है कौन आई ठीक है जो कि अभी एन के अंदर कन्वर्ट हो गया दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज इट ट्रैक्स वेसल क्या करेगी कोस्टल रडार्स बना के ट्रैक करेगी वाइट शिपिंग एग्रीमेंट करेगी और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टर फिटेड फिटेड ऑन द मर्चेंट शिप्स इसको देखेगी इसके अंदर से क्या करेगी ट्रैक करेगी तो बच्चों इज दिस क्लियर टू एवरीवन ये क्या, क्या क्या कर रही है ठीक है एयर एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट और ग्लोबल शिपिंग डेटा तो मतलब एक्चुअल में क्या है कि छब्बीस ग्यारह का अटैक होना हमारे पास तो हमको ओ माई गॉड ये लोग तो क्या कर रहे हैं कोस्टल एरिया से आ रहे हैं तो हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ गई आई नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विलांस करेगी अब ये क्या करती है कोई भी शिप आती है ना तो जैसे एक बार मान लो शिप है ठीक है तो इसके अंदर कौन उतरा क्या उतरा शिप कितनी बार आ रही है, दो बार आ गई अरे भाई तीन बार आ गई, कुछ, कुछ है है? है ना कुछ गड़बड़ा ठीक है ऐसा राइट right. और इस सर्विलेंस से क्या होता है हम क्या कर सकते हैं हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये आई मैक का काम है छब्बीस ग्यारह के बाद हमने इसको करा था राइट तो आई होप दिस इज क्लियर वाई आई एम एक्ट टू एन डी एम सी एन डी एम एन डी एम सी के अंदर क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं अपन इसको तो ये एन आ, ये देखिए इसके अंदर क्यों कर रहे हैं अपन देखिए इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर इतनी बड़ी कोस्टलाइन है ओ माई गॉड फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ओके okay. फिर इसके कारण क्या होता है इसके कारण इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंडिया को ठीक है तो फिर क्या करें सर तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो और वो क्या करें वो सबसे कॉन्टैक्ट में रहे और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी देयर दैट्स वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट राइट तो ये क्या होगा एन uh, एम क्या होगा इट इज द मल्टी एजेंसी सेंटर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स दूसरे दूसरे स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम फिशरी डिपार्टमेंट टू द लोकल पुलिस अथॉरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट अक्रॉस द पोस्ट के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट और कोई भी मूवमेंट होता है तो सबको ये क्या करेगा सबको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन सेंटर है ये दिस विल मेक श्योर दैट एनी रिस्क 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 कोई कोई भी रिस्क हो, कोई भी स्पेशली ट्रांसनेशनल कैन बी प्रिवेंटेड हो एक नेशन से दूसरी रिस्क नेशन के ऊपर जैसे पाकिस्तान वाले आ रहे हैं हमारे अंदर तो दैट कैन बी प्रोटेक्टेड ये इसके अंदर देगा राइट इज दिस क्लियर टू एवरीवन उन्नत भारत अभियान स्कीम उन्नत भारत उन्नत भारत कब होगा जब भारत पढ़ेगा लिखेगा तब जाकर उन्नत भारत होगा ठीक है ऐसे याद करके आपको एच आर डी मिनिस्ट्री याद रखनी है इसके अंदर दिस इज द एच आर डी मिनिस्ट्री स्कीम अब इसकी स्कीम में क्या होता है ये समझो कि इस स्कीम में जो भी टॉप नॉच कॉलेज है हमारे इस इंडिया के ठीक है जैसे आई आई एम जैसे आई आई टी ठीक है जैसे एन आई टीज इनको क्या कहा इनको कहा है कि भाई एक गाँव को है ना तुम गोद में ले लो ठीक है गाँव को गोद लेने का मतलब एक मत मतलब पाँच गाँव को तुम गोद में ले लो अरे बाप रे ये क्या होता है तो आईआईटी वालों को बोला जाएगा एक आईआईटी जैसे आईआईटी मुंबई है उसको बोला कि तुम ये पांच गांव गोद ले लो मतलब इस पांच गांव को तुम अडॉप्ट कर लो इसके अंदर मतलब क्या होगा अडॉप्ट करने का मतलब कि जैसे एक गाँव है इसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं ठीक है हरिया मगलू ठीक है ये इस तरह से लालू पीलू ठीक है ये बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं गाँव के अंदर राइट अब आईआईटी को ये गांव मिला है आईआईटी मद्रास को ये गांव मिला है तो आईआईटी मद्रास क्या करेगी हरिया को थोड़ा सा क्या करेगी हरिया को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सिखा देगी देखो सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ करा जाता है ठीक है इसको आ, मोती को क्या करेगी मोती को कोई और टेक्नोलॉजी सिखा देगी और इन सब से क्या करेगी इनको क्या करेगा डेवलप कर देंगे ठीक है तो अब हरिया मो, मोती कालू ये सब चीजें क्या हो जाएंगी ये सब लोग डेवलप हो जाएंगे अपना पास ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज दिस क्लियर टू एवरीवन तो ये स्कीम है दैट इज उन्नत भारत स्कीम ये क्या है उन्नत भारत स्कीम है ठीक है ये एच मिनिस्ट्री की स्कीम है ठीक है तो क्या है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है ठीक है बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब तो एजुकेशन नहीं बोलते हैं अब एच आर डी नहीं बोलते हैं ठीक है इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड फोर्टीन के अंदर लॉन्च हुआ है जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद ए सेट ऑफ एटलीस्ट पाँच गाँव दे दो हमें पाँच गाँव ठीक है ये कौन बोल रहा है आई आई टीज बोल रहे हैं आई एम्स बोल रहे हैं ठीक है जिससे कि हम इसका क्या करें इसका डेवलपमेंट करें इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट ऑफ दिस विलज कम्युनिटी यूजिंग द नॉलेज बेस नॉलेज बेस को यूज़ करके इनका इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इसका कर सकते हैं अपन, राइट? आई होप दिस दिस क्लियर, उन्नत भारत अभियान स्कीम ठीक है तो देखो ये क्या करेगा इससे ह्यूमन डेवलपमेंट तो होगा ही ह्यूमन डेवलपमेंट बन ही जाएगा ठीक है प्लस मटेरियल डेवलपमेंट भी होगा इन एन इंटीग्रेटेड वे मटेरियल डेवलपमेंट क्या होगा जो हरिया होगा जो तो मोदी होगा उनका डेवलपमेंट होगा उनका मटेरियल उनके पास पैसे आएंगे क्योंकि उनके पास नॉलेज आ गई एक बार नॉलेज आ जाए तो नॉलेज से तो फिर वो कमा सकते ही हैं ठीक है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दहली आई आई टी दहली हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एट द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर यू बी ए स्कीम यू बी ए स्कीम के लिए ये नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन का काम करता है कौन करता है आई आई टी दहली करता है ठीक है तो आप समझ गए इसके अंदर किस तरह से आपको याद करना है प्लीज़ लेट मी नो दिस इज़ क्लियर और नॉट अभी वन पॉइंट जीरो चल रहा था फिर टू पॉइंट जीरो चलने लग गया 2.0 टू पॉइंट जीरो मोड इज़ गोइंग ऑन ठीक है तो उन्नत टू पॉइंट जीरो अभी चल रहा है तो इसके अंदर क्या है बच्चों अगेन जल्दी से अपन देखते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना उनसे बोल रहे हैं भाई तुम करते क्या हो है ना आई आई टीज आई एम थोड़ा सा सर्विस वर्विस करो ठीक है सोशल सर्विस करो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो कंट्री का बोले सर बताओ आप कैसे करें तो पांच गांव को तुम क्या करो गोद ले लो और उस गाँव के लोगों को है ना नॉलेज प्रोवाइड करो उस गाँव के लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेंगे नहीं तो फिर खेती करते रह जाएंगे वो बोले सर ठीक है आज से हम करेंगे इसको क्या बोलें क्या जाए सर इसको इसको बोलो उन्नत भारत स्कीम उन्नत भारत अभियान की भारत को उन्नत बना रहे सर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है बोले तुम क्या हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है सर हम आई तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ठीक है दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ठीक है चलिए वर्चुअल आदि महोत्सव आजकल वर्चुअल ही होता है महोत्सव जो होता है महान उत्सव ठीक है बना रहे वो भी वर्चुअल ही है अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर वर्चुअल एग्जीबिशंस लगेंगे ट्राइबल लोगों के आदि मतलब आदिवासी ठीक है ट्राइबल लोगों के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके वर्चुअल एग्जीबिशन लगेगी जिसके अंदर वो दिखाया जाएगा आपको और फिर आपकी इच्छा हो तो आप ख़रीद भी सकते हैं उसको तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसने लॉन्च करा है ऑब्वियसली आदि है तो आदिवासी है आदिवासी है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ठीक है तो मोटा मिनिस्ट्री ने करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च द वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने लॉन्च करा है आदि महोत्सव क्या होता है इट इज़ ए नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ज्वाइंट इनिशियेटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइवल अफेयर मोटा और मोटा के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड और ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आदि मोहन महान, महान उत्सव महोत्सव जो होता है वो मनाया जाता है इज दिस क्लियर टू एवरी वन ये इंपॉर्टेंट है इट कमेंस्ड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड हेल्ड एनवली दो हज़ार सत्रह में ये कमेंस हुआ है और ये एनवली होता है ऐसा नहीं कि दो साल बाद दो साल के एक बार अंदर होता है ठीक है नहीं आदि महोत्सव हर साल होता है हर साल आदिवासी से बोलते हैं कि तुमने क्या प्रोडक्ट बनाया दिखाओ हमें भी दिखाओ अच्छा लगेगा तो हम लेंगे एग्जीबिशन होता है इनका तो ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशंस और मोटा ऑर्गेनाइजेशंस ये मिलकर क्या कर रहे हैं मोटा मिनिस्ट्री ये मिलकर इस आदि महोत्सव को सक्सेसफुल बना रहे हैं आई होप दिस इज़ क्लियर इज़ दिस क्लियर आदि महोत्सव क्लियर तो इट इज़ एन the people द पीपल विद रिच एंड डाइवर्स क्राफ्ट कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल कि देखो इनके कितने ड्राफ्ट कितने डाइवर्स क्राफ्ट हैं कितने कल्चर इनका डाइवर्स हैं, कम्युनिटीज कितना डाइवर्स महोत्सव होगा तो उसमें डांस भी होगा कल्चर के बारे में पता लगेगा ये सब चीज़ें पता लगेगा दैट इज़ नोन एज आदि महोत्सव ट्राई फेड क्या है एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइबल cooperative मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड इसको बोला जाता है इट वॉज इन अगस्त अगस्त में एस्टैब्लिश हुई थी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से बनी थी दैट इज वॉट दैट इज द ट्राइफेड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑब्जेटिव क्या है इसके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ट्राइबल पीपल का एम्पॉर्व करना है लोगों को उनकी जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचानी है देखो भाई ट्राइबल लोगों के पास भी कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है कितना अच्छा नॉलेज है ये सब चीजें हमको इसके अंदर बताना है तो ट्राइफेड का काम ही है मार्केटिंग करना किसका मार्केटिंग करना ट्राइबल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना ट्राइबल लोगों का मार्केटिंग करना यही काम है किसका ट्राइफेड का राइट ट्रांस फैटी एसिड दिस इज इंपॉर्टेंट देखो ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है कि ये जो ट्रांस फैटी एसिड होता है दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ ठीक है बहुत बहुत है हेल्थ के अंदर डेंजरस होता फैटी एसिड ट्रांस फैटी एसिड ठीक है acid, क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं द फूड एफसाई ने क्या कहा है कि ट्रांसपैसी एसिड को हम क्या करेंगे कम करेंगे हमारे ऑयल्स के अंदर एंड फैट्स के अंदर ठीक है जो भी ऑयल बनता है ना उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड कितना कर देंगे हम अभी कितना है फाइव परसेंट है तो उसको टू परसेंट तक लेके जाएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक और थ्री परसेंट तक लेके जाएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक मतलब ऑयल के अंदर और कहीं और चीज़ों के अंदर फैट्स जो होगा ट्रांस फैटी एसिड जो होगा उसको हम बहुत कम कर देंगे पाँच परसेंट से तीन परसेंट तक ले जाने की दो परसेंट तक ले जाने की कोशिश होगी अभी कितना है बच्चों हमारे ऑयल्स के अंदर अभी फाइव परसेंट फैटी एसिड मिलता है ठीक है अभी हमारे ऑयल्स के अंदर फाइव परसेंट फैटी एसिड मिलता है और टू परसेंट इसको हम कर लेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक एंड फाइव परसेंट कर लेंगे हम इसको फाइव परसेंट तो अभी हाई टू परसेंट अपन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक इसको कर लेंगे राइट आई होप दिस इज क्लियर तो डब्ल्यू एच ओ ट्रांस ट्रांसफेटीड तो देखो अभी हमारे फाइव परसेंट है हम कितना कर रहे हैं इसको टू परसेंट कर रहे हैं कब तक कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू तक कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ एच ओ इसके बारे में क्या कहता है डब्ल्यू एच ओ बोलता है कि सिर्फ वन परसेंट होना चाहिए तो डब्ल्यू एच ओ की रिकमेंडेशन तक पहुँचते पहुँचते हम तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक भी डब्ल्यूएचओ एच ओ की रिकमेंडेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे ठीक है तो देखो इतना अच्छा इंटेंसटाइन होता है अपना इंटेंसटाइन होता है जिससे कि हम अभी फाइव परसेंट वाला भी हम झेल रहे हैं डब्लू एच ओ तो विश्वास ही नहीं करेगा बोले कहा यार वन परसेंट से ज़्यादा तो खतरनाक होता है बोले वी आर द इंडियंस हम फाइव परसेंट पर भी खतरनाक नहीं रहता हमारा एम ही है अभी कि ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक हम ट्वेंटी टू परसेंट करके आए ठीक है जबकि तुम्हारा तो अभी तुम बोल रहे हो कि वन परसेंट तक होना चाहिए ठीक है तो आई होप दिस इज़ क्लियर तो डब्ल्यू एच ओ ने क्या करा है डब्लू एच ओ ने कहा है कि वन परसेंट होना चाहिए अभी और जीरो परसेंट होना चाहिए कब तक

जम जाता है ये फैट ठीक है और ये फिर हटने का नाम लेता और ये क्या करता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको भी ये खत्म कर देता है ये बहुत ही गंदा वाला फैट है बच्चों सारे फैट ले लेना खा लेना पर ट्रांस फैट्स मत खाना ठीक है दिस फैट्स आर लार्जली प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बट ए स्मॉल अमाउंट ऑल्सो अकॉन्ड नेचुरली दस इन आवर डायल दिस मे बी प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल तो नेचुरली क्या होता है थोड़ा सा फैट ये नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है बट ये आर्टिफिशियली ही आता है जनरली बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि दिस फैट इज़ ओनली आर्टिफिशियल तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर ये आर्टिफिशियल नहीं होता ये नेचुरल भी है बॉडी भी कुछ पोर्शन इसका प्रोड्यूस करती है ट्रांस फैटी एसिड क्या है मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट है कि आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर ये क्या करता है ऑर्गन्स के ऊपर जाकर जमा होता है और ये फैट बहुत ही खतरनाक है आपके लिए तो डायट्री कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर इसको हटाना होगा कौन से ईयर तक टू परसेंट करना चाहती है फसाई 2022 तक ये 2% करना चाहती है इस फैटी एसिड को कहाँ पर ऑयल्स के अंदर और अदर फैटी प्रोडक्ट्स के अंदर राइट right? थोड़ा और समझते हैं ट्रांस फैटी एसिड कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड आर फॉर्म विद हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विद द ऑयल टू प्रोड्यूस द फैट हाइड्रोजन जब ऑयल से रिएक्ट करता है और फैट प्रोड्यूस होता है ठीक है तो क्या होता है तो यहाँ पर ट्रांस फैटी एसिड मिलता है ये हमको बटर के अंदर जो बटर आप लगाते हैं ना सुबह सुबह ठीक है और बिल्कुल बटर ही बटर के अंदर खाते हैं उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड होता है आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड इन अवर डाइट द मेजर सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड इज वेजिटेबल ऑयल्स ठीक है वनस्पति घी मारग्रेन ठीक है विच नेचुरल टी एफ ए आर प्रेजेंट इन द मीट्स एंड द डेरी प्रोडक्ट्स नेचुरल कहाँ होता है मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है इन बहुत ही माइन्यूटली सा स्मॉल अमाउंट के अंदर राइट right? इट पोजेज ए हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज दैन द सेचुरेटेड फैट देखो एक होता है सैचुरेटेड फैट सेचुरेट फैट तो ठीक ठाक होता है इसका इतना ज़्यादा ये खतरनाक नहीं होता पर ट्रांसफैट फैट्स जो होते हैं ना दैट इज़ खतरनाक बहुत खतरनाक होते हैं ये आपकी क्या करेगी बॉडी को पूरा खराब कर सकता है सेचुरेटेड फैट रेजेज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल ये तो कोलेस्ट्रॉ लेवल को सेचुरेटेड फैट रेज करता है बट टी एफ ए नॉट ओनली रेज द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेज तो करता ही और गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या होता है गुड कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है ये हटा देता है दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस खुद तो डेंजर है ही और दूसरों को भी लेकर जाता है ठीक है ट्रांस फैटी एसिड ठीक है किसको लेकर जाता है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉट ओनली रेज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बट ऑल्सो रिड्यूस गुड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल को भी ये लेकर चला जाता है राइट नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल बट बिफोर दैट बच्चो यू वांट ब्रेक ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स एनीबडी इन द क्लास वॉन्ट दिस वन और शुड आई कंटिन्यू दिस प्लीज लेट मी नो एनीबडी वॉन्ट्स ब्रेक और नॉट हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट ब्रेक ऑफ फाइव मिनट्स बच्चों क्योंकि अभी लंबा चलेगा ये तीन घंटे का लेक्चर हो जाएगा ठीक तो है आई ओपन वन एंड हाफ आवर्स तो अपन पढ़ ही चुके हैं तो अपन अभी मिडवे पर आ गए हैं तो प्लीज लेट मी नो इफ एनी बडी वॉन्ट टू वॉन्ट ब्रेक और शुड आई कंटिन्यू जल्दी बताएं बच्चों ब्रेक चाहिए कि अपन कंटिन्यू करें क्या कैशाई सिंग कंटिन्यू एनीबडी एल्स एवरीबडी सिंग कंटिन्यू देख रहे हैं आप कि अभी हमने डेढ़ घंटा पढ़ लिया हमको ज्यादा इस पर लोड आया नहीं राइट तो हम चलो आगे पढ़ते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं कि सारथी रथ आगे लो ठीक है तो आगे देते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी क्या करा इन्वेटेड इवेंट प्रपोजल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल देखो बच्चों टेक्निकल टेक्सटाइल एक कपड़ा जो अपन ने रह, पहन रखा है दिस इज नॉट द टेक्निकल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है जैसे कि हम कहें कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स दैट आर टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे हम कहें कि एरोप्लेन के सीट के कवर्स ठीक है जैसे हम कहें कि कार के सीट के कवर्स दिस आर नोन नोनस वॉट दिस आर नोन नोनस टेक्निकल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल हम इसको बोल सकते हैं तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स कौन से होते हैं आर द टेक्सटाइल मटेरियल्स वो टेक्सटाइल मटेरियल एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली फॉर द टेक्निकल परफॉर्मेंस टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए होता है एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रेदर देन द एस्थेटिक करेक्टर्स ऐसा नहीं कपड़े पहनने के लिए नहीं होते वो वो होते हैं ऐसे कपड़े जो कि और काम के अंदर यूज़ करते हैं जैसे कि कार का कवर लगा दिया ठीक है जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट लगा दिया है ये सब चीज़ें हो गया दिस इज़ नोन एज वॉट दिस इज नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल ठीक है अभी क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इनवाइट करा है प्रपोजल कि हमको डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल बनानी है ये इसके अंदर कहा है तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर फंक्शनल फेब्रिक्स दैट हैव एप्लीकेशन अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्रीज इक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर हेल्थ केयर इंडस्ट्रियल सेफ्टी बुलेट प्रूफ जैकेट स्पेस एप्लीकेशन इन सब के अंदर होता है दैट इज नोन एज बट दैट इज नोन एज योर टेक्निकल टेक्सटाइल्स ठीक है तो इसके अंदर बारह टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट है एग्रो मेडिटेक बिल्ड टैक मोबीटेक कोलोथैक ओकीोटेक जो टैक पैकटेक होम्योटेक प्रोटेक्ट एंड इडोटैक एंड स्पोर्टेक ठीक है स्पोर्ट के अंदर जो फैब्रिक्स होते हैं दैट इज ऑल्सो बट टेक्निकल टेक्सटाइल्स ठीक है tech styles, तो फॉर एग्जाम्पल मोबीटेक इसके अंदर क्या होता है एयर बैग्स जो हो गए एयरप्लेन का सीट्स हो गए सीट बेल्ट्स जो हो गए ठीक है जो एयर बैग लगता है कार्स के अंदर वो हो गया दैट इज़ नोन एज वॉट दैट इज़ नोन एज मोबी टैक ठीक है मोबाइल व्हीकल्स की मोबिलिटी के लिए ये काम आता है मोबाइल व्हीकल्स के अंदर काम आता है ठीक है जियो टैक का मतलब क्या होता है कि विच इंसिडेंटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स यूज टू होल्ड द ब्लैक बैक सॉइल बैक सॉइल को होल्ड करने के लिए जो टेक्सटाइल यूज़ होता है दैट इज़ नोन है उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं बच्चों टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट इज़ इंपॉर्टेंट है ना टेक्निकल चीजों के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट दैट्स वाई दिस इज नोन एज वॉट दिस इज नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल्स ठीक है तो जैसे आप और मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं दैट विल नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल बट स्पोर्ट्स मैन ने जो कपड़े पहन रखे हैं बिकॉज दैट इज फॉर सम पर्टिकुलर परपज एंड इन दैट टेक्निकल चीज टेक्निकल थिंग इज रिक्वायर्ड दैट्स वाई इट इज नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल ठीक है आई होप दिस इज क्लियर तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है अभी इसके अंदर क्या है देखो ये इसका एम है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों डोमेस्टिक मार्केट साइज को हम क्या कर रहे हैं 50 बिलियन डॉलर तक लेकर जाएंगे बाय 2024 मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल हमारे यहाँ पर बहुत प्रोड्यूस हो और डोमेस्टिक मार्केट जो होगा टेक्निकल टेक्सटाइल का वो बढ़े ठीक है दो तक कितना हो जाए पचास हो जाए दैट इज़ अवर मिशन एम इट विल भी इम्प्लीमेंटेड बाई फोर फॉर फोर ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड एस फोर कम्पोनेंट चार इसके कम्पोनेंट होते हैं फर्स्ट कम्पोनेंट ये है वैसे इतना गहराई के अंदर ये पूछते नहीं है फर्स्ट सेकेंड कम्पोनेंट ये है थर्ड एंड फोर्थ इसकी पी डी एफ में आप पढ़ लेना ज़्यादा इसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉम्पोनेंट में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट अब इसको है ना इसी नाम से याद कर लो नॉर्थ ईस्टर्न है नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन को पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है सोच कर देखो ठीक है वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना तो इसके अंदर कोई पावर सिस्टम कर रहे हैं तो ये जो स्कीम होगी ना दैट विल बी व्हाट दैट विल बी सेंट्रल सेक्टर स्कीम कि पूरा सेंट्रल सेक्टर इसके अंदर देगा पावर से आपको दो चीज़ याद करनी है पावर सिस्टम है तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये कर रही है अच्छा भाई वाओ wow, दो चीज़ें याद होगी नॉर्थ ईस्टर्न से सेंट्रल सेक्टर याद हो गया पावर से पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर पावर से एक और चीज़ याद उसका इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पावर ग्रिड ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन ठीक है पी डी इसकी क्या है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है दिस इज वॉट दिस इज़ द इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ओके तो सर प्रीलिम्स के बेस का तो तीन चीज़ नाम से याद हो गया हाँ तो बच्चा नाम से ही तो करना है नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन है इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितने कंट्रीज होते हैं पहले तो मेरे को ये बताओ फिर मैं बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन से हैं जल्दी बताओ नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितनी कंट्रीज हैं और नाम लिख कर बताओ जल्दी से फटाफट तो नॉर्थ ईस्ट में से अरुणा जो है ना उसको बहुत कम दिखता है अरुणा और कम दिख रहा है सिक्किम सिक्कम ठीक है मतलब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इनको अगर हटा दें इन दोनों को अगर हटा दें तो बाकी की जो छः छः स्टेट्स हैं ठीक है सिक्स स्टेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट विल बी दार्ट ऑफ वट नॉर्थ ईस्टर्न रिजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ठीक है तो इज दिस क्लियर टू एवरी वन प्लीज लेट वी नो अबाउट द स्कीम द स्कीम वॉज इनिशियली अप्रूव इन दिसंबर और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और क्योंकि यहां पर पावर आ रहा है बच्चों तो पावर मिनिस्ट्री है और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी पावर ग्रिड ऑफ इंडिया पावर ग्रिड ऑफ इंडिया ठीक है पावर ग्रिड ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राइट फ्रॉम वेयर यू विल गेट द पी डी एफ जस्ट गो ट्रू द टेलीग्राम ग्रुप अभी देखो अभी जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है एक टेलीग्राम ग्रुप है जनरल स्टडीज विध देवराज वर्मा उस ग्रुप पे जाओ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो विद इन फाइव मिनट्स ऑफ कम्पलीशन ऑफ दिस लेक्चर आई विल आई विल अपलोड द पी डी एफ ठीक है समझ गए एंटरटेनमेंट ए एस एंटरटेनमेंट समझ गए आप ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसके अंदर होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसके अंदर आता है राइट अब देखिए फंडेड बाय कौन फंड करेगा हम देखो नॉर्थ ईस्ट को है इतना बड़ी चीज़ है ठीक है इसको फंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक शुड भी देर तो नॉर्थ ईस्ट से ही वर्ल्ड बैंक याद कर लो नॉर्थ ईस्ट से सेंट्रली सेक्टर स्कीम याद कर लो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा सपोर्ट कौन देगा सेंट्रल देगा ठीक है और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है वर्ल्ड बैंक दे रहा है ठीक है सेंटर दे रहा है स्टेट का कोई काम ही नहीं इसके अंदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्टेट कुछ कर ही नहीं रहा है इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग हंड्रेड फाइनेंसिंग और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक इसकी हेल्प कर रहा है मतलब पचास रुपए वर्ल्ड बैंक देगा और पचास रुपए कौन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी राइट ठीक है इज दिस क्लियर तो ये देखो वर्ल्ड बैंक फंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया थ्रू द बजट सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन द फिफ्टी फिफ्टी बेसिस ठीक है कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ 89 करोड़ विल विल विच बी ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटायरली फंड कौन करेगा इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एंटायरली फंड करेगा इम्प्लीमेंटेड बाय पीजीसीआईएल ठीक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये लो बच्चो ये पावर से याद करा था अपन ने क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो पावर से अपन याद करा था सिक्स बेनिफिशियरीज है कौन कौन है आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड एंड त्रिपुरा तो भैया अरुणाचल प्रदेश नहीं है और सिक्किम नहीं है बाकी की तो सारी छः की छः चे है यहाँ पर एंड इस टारगेटेड टू कमीशन बाय द दिसंबर 2021 दिसंबर 2021 तक ये कमीशन हो जाएगा इस तरह से इसको बताया गया आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन पावर ग्रिड खुद क्या है एक महारत्न कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ठीक है और इसके पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप इसको देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट इज वैक्सीन हेजिटेंसी नाम से पता चल रहा है बच्चों वैक्सीन है मान लो एक टीका है कोविड नाइन्टीन का टीका है कोई बोल रहा है भाई इसको लगवा मत लेना तू क्यों क्योंकि इससे ना मर जाएगा तू क्यों क्योंकि ये है ना अभी टेस्टेड टीका नहीं है ऐसा मेरे को बोल दिया अब मेरे को आए हॉस्पिटल वाले कि चलो भाई टीका लगवाओ तो मैं भाग गया ठीक है तो दिस इज़ नोन एज वैक्सीन हेजिटेंसी अब वैक्सीन हेजिटेंसी है ना बच्चों बहुत तरीके से हो सकती है या तो सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन फैलाया जाएगा जा रहा है ठीक है या फिर क्या हो या फिर मान लीजिए कोई रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं जैसे कि कोविड नाइन्टीन के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि पॉर्क यूज़ करा गया है ठीक है कि सूअर का मीट यूज़ करा गया उसके अंदर ये इसके अंदर बोला है पिक का मीट ठीक है ये यूज़ किया गया है ऐसा बोला गया है तो उसको खाएं कि नहीं खाएं ये अब मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत का विषय है ठीक है तो अब वो इसके कारण कभी सोशल डायमेंशन के कारण कभी सोशल मीडिया के कारण रॉन्ग प्रोपोगंड फैलाए तो उस वैक्सीन के प्रति हेजिटेंसी हो जाती है कि यार इसको लगवाएं कि नहीं लगवाएं ठीक है कभी कभार क्या होता है लैक ऑफ अवेयरनेस कभी इनएक्सेसिबिलिटी है उसके कारण भी हो जाता है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन जो है उसके अंदर क्या हो रहा है वैक्सीन हेजिटेंसी एक टर्म है एक जनरल टर्म है इट रेफर्स टू डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन सर्विसेज वैक्सीन तो है आपके पास आपके सामने रखी है वैक्सीन अब इसको लगाएं कि नहीं लगाएं इसके ऊपर हेजिटेंट कर रहे हैं दैट इज नोन एज वैक्सीन हेजिटेंसी ठीक है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइंग वेरिंग अक्रॉस टाइम प्लेस एंड वैक्सीन ठीक है इट इज़ इंफ्लुएंस बाय द फैक्टर सच एज कॉम्पलेंसी कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस इसके कारण क्या होता है इसके कारण ये वैक्सीन के अंदर हेजिटेंसी अपन को आती है रीजन्स फॉर वैक्सीन हेजिडेंसीज रिलीजियस प्रोपोकंडा हो सकता है कि इसके अंदर माइक्रोब्स केमिकल एनिमल ड्रायल प्रोडक्ट्स ठीक है जैसे हम देखते हैं कि पिक मीट यूज हो रहा है कोविड नाइन्टीन के वैक्सीन के अंदर सोशल मीडिया इज यूज इन स्टीयरिंग फेयर्स सोशल मीडिया के कारण हो सकता है तो दिस इज नोन एज वैक्सीन हेजिटेंसी जो आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए ठीक है रीजन्स फॉर द वैक्सीन हेजिटेंसी के अंदर जैसे पोलियो की वैक्सीन के अंदर ऐसे बोला गया था कि भाई दो बूंद जिंदगी की मत ले लेना नहीं तो क्या हो जाएगा इसके अंदर लाइव वायरस रहते हैं लाइव वायरस रहेंगे ना तो वो तुम्हारे अंदर आके तुमको क्या करेंगे तुमको हार्म कर देंगे ऐसे मिस मिसप्रोपोगंडा जो था वो फैलाया गया ठीक है प्रोपोगंडा एक फैलाया गया था इसके खिलाफ पे तो लोग बाग इससे वैक्सीन से, से हेजिटेंट होने लग गए डरने लग गए दैट इज़ नोन एज वैक्सीन हेजिटेंसी इज दिस ओके टू यू एवरी प्लीज लेट मी नो फॉर एक्साम्पल सम इनकन्वीनियंस इन एक्सिंग ऑफ वैक्सीन इज ऑल्सो लीडिंग टू द कॉज ऑफ वैक्सीन इनएक्सीबिलिटी भी एक कॉज होता है वैक्सीन हेजिटेंसी का ठीक है बच्चों तो बच्चों मुझे ये बताएं आप हाँ मुझे ये बताओ हिमालय हिमालन सीरोस कौन था जल्दी से बताए हिमालयन सिरोस कौन था और वो कहाँ रहता है सिरोस कौन है जल्दी से बताओ ठीक है जस्ट फास्टली आंसर इन दिस चैट सेक्शन ठीक है एंड जस्ट गेव मे टू मिनट ब्रेक टू मिनट ब्रेक मेरे को दो और आपको ब्रेक नहीं है आप बताओ हिमालयन सिरोस के बारे में जो भी बता सकते हैं ना लिख डालो ठीक है कहाँ पर लिख डालो आपके चैट सेक्शन के अंदर यूटिलाइज दिस चैट सेक्शन एज एज मच एज पॉसिबल तो टू मिनट्स ब्रेक या फिर अपन एक काम करते हैं फाइव मिनट्स का ब्रेक ही ले लेते हैं ठीक है फाइव मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू ठीक है हम फिर एक घंटा और पढ़ेंगे एक डेढ़ घंटा और पढ़ेंगे इसके बाद ठीक है तो जस्ट टेक अ फाइव मिनट ब्रेक ओके Hello everyone, welcome again. So, please let me know that I am audible or not so that we can start. So, 5 minute break is over, and vaccine hesitancy was the last topic, right? ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल हिमालय वेरी गुड नॉट इन ट्रांस हिमालय है ना हिमालय है रूस ट्रांस हिमालय के अंदर नहीं होते ठीक है और बहुत ही शर्मिला टाइप का है वन अडेबल और ये सब चीज़ें इसके अंदर ठीक है स्पीडी वैली के अंदर अभी देखा गया दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़ सब ने सही से लिखा है वेरी गुड बच्चों दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग राइट चलिए एम एडेबल प्लीज लेट वी नो एंड जस्ट वेट वन थर्टी सेकेंड मोस्ट बिकॉज आई हैव टू ब्रिंग माई वाटर बोटल वाटर बोटल भूल गए जस्ट वेट फॉर थर्टी सेकेंड में चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज दिस बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट इफ यू वांट टू क्रैक यू पी एग्जामिनेशन विद इन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैन अन अडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और लाइव डी कोड यूज़ करिए और टेन डिस्काउंट इसके अंदर आपको मिलेगा ऑल द हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर विल भी एक्सेसिबल टू यू लाइव डी कोड के मल्टीपल बेनीफिट्स हैं बच्चों एक कोड है मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फ्री क्लासेज फ्री क्विजेस टेन डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल गाइडेंस विल बी देयर बिकॉज एनअकेडमी प्लस पे आप देखेंगे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं देर मल्टीपल एजुकेटर्स आर देयर ठीक है तो उनमें से कौन सा एजुकेटर कब कैसे यूज करना है आई विल लेट यू नो इफ़ यू यूज दिस कोड लाइव टी वी सो वन कोड मल्टीपल बेनिफिट्स यूज दिस कोड लाइव टी वी एंड एन्जॉय द फ्री सेशंस एंजॉय द प्लस डिस्काउंट ठीक है इन्जॉय द डिस्काउंट्स पर्सनल गाइडेंस एंड फ्री सेशंस राइट चलिए तो यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ ठीक है ये एक अवार्ड है यूनाइटेड नेशंस को अवार्ड को देता है और यंग चैंपियन प्राइज़ अभी ट्वेंटी नाइन ईयर ओल्ड एक पर्सन को मिला है एक एंटरप्रेनर को मिला है और ये क्या है देखिए यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ का मतलब क्या है एक तो ये पर्सन यंग होने चाहिए ठीक है तो यंग की कुछ एज होगी यंग को समझना है तो 18 से 30 साल का जो तो पर्सन होगा दैट कैन बी द पार्टिसिपेंट इन दिस चैंपियनशिप राइट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये क्या है चैंपियंस ऑफ अर्थ मतलब इन्होंने कोई क्लाइमेट चेंज के लिए या फिर कुछ पॉल्यूशंस के अगेंस्ट में ठीक है इस तरह के कुछ एंट्रप्रेनरशिप स्किल्स दिखाई हैं दैट्स वाई दिस इज यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ तो हम देखते हैं कि भाई ये कौन है इसने क्या करा इस बंदे ने 29 नाइन ईयर ओल्ड बंदे ने और इसको 2020 के अंदर ये प्राइस क्यों मिलाया और यंग चैम्पियंस ऑफ अर्थ प्राइज़ ये क्या है ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट राइट चलिए तो गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम सबसे पहले यूनैप यूनैप आपको याद रखना है ठीक है दूसरा क्या है कि ग्लोबल चेंज मेकर्स यूजिंग इनोवेटिव आइडियाज़ एंड एम्बिशियस एक्शंस जो भी ग्लोबल चेंज मेकर्स होते हैं जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ और एम्बिशंस देखते हैं एम्बिशिय एक्शन लेते हैं उनको क्या है उनको एनवायरमेंटल चेंजेस को रोकने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेश्स काम करती हैं एंटरप्रेनर्स काम करते हैं ठीक है तो उनको यूनैप पुरस्कृत करता है थ्रू द से यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से ठीक है यूनैप का एक अवार्ड है राइट तो सबसे पहले तो आपको ये रखना है अब यंग का मतलब क्या है यहाँ पर यंग का मतलब है अट्ठारह से तीस ठीक है ऐसा नहीं कि तुम पैंतीस साल के हो गए चालीस साल के हो गए इवन पचास साल के भी लोग आजकल अपने आप को यंग बोलते हैं कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं ठीक है तो ये ऐसा नहीं होगा अट्ठारह से तीस के अंदर ही हो सकता है ठीक है काफ में से कई लोग इसके अंदर आ जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे तो यू कैन बी द यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ बट आफ्टर वन और टू ईयर्स यू कैन नॉट बी ठीक है इस तरह से इसको याद करना है यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड राइट तो इसके अंदर किसको मिला है अभी देखो टकाचार एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने खुला है ठीक है किसने खुला है एक पर्सन ने जिसका नाम है विद्युत मोहन तो विद्युत मोहन क्या करता है विद्युत मोहन कहता है गांव गांव गाँग जाएगा और उनसे जो भी मटेरियल वेस्ट है एग्रीकल्चर का मटेरियल वेस्ट है ठीक है अब देखो ना इसको इसको देखना ये क्या है एग्रीकल्चर वेस्ट लेता है मटेरियल वेस्ट को लेता है और उसको टकाचार के अंदर डालता है मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टक्काचार और उससे उनको एक्टिवेटेड चारकोल बना कर देता है और एक्टिवेटेड चारकोल ना बच्चों बहुत जगह यूज आता है मल्टीपल बेनिफिट्स हैं एक्टिवेटेड चारकोल के ठीक है तो मटेरियल वेस्ट मटेरियल लिया वेस्ट मटेरियल को एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया एंड दिस कैन बी यूज इन द मल्टीपल डायमेंशंस मल्टीपल डायमेंशंस में एक्टिवेटेड चारकोल्स को आप यूज़ कर सकते हो वेदर इट इज इन मेडिसिन और बहुत ही सारे पर्पस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो एक्टिवेटेड चारकोल को ठीक है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एग्रीकल्चर मटेरियल वेस्ट को लिया और एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट कर दिया ये तो ठीक है सर कर दिया होगा कोई टेक्निक होगी इसके पास पर ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है और हाउ सर इट इज डिफरेंट फ्रॉम द चारकोल भाई चारकोल से डिफरेंट कैसे होता है एक्टिवेटेड चारकोल ये हमको और बता दें तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो लेट्स अंडरस्टैंड एक है सिंपल चारकोल ठीक है एक है पोर्ट्स वाला चारकोल ठीक है जिसके अंदर पोर्ट्स हैं बहुत सारे ठीक है और इसको अगर किसको अगर जलाओगे तो जल्दी ये जलेगा और ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी इसकी ये जल्दी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी ये है एक्टिवेटेड चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम आता है मेडिसिन के अंदर काम आता है जैसे कि आपने सुना होगा कि किस तरह से आपने टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कि टूथपेस्ट के अंदर इसके अंदर है एक्टिवेटेड चारकोल्स जो आपके दिमाग जो आपके दांतों के बीच के अंदर से जाकर आपके क्या करेंगे सब चीज़ों को साफ करके देंगे तो एक्टिवेटेड चारकोल्स मेडिसिन परपज के यूज भी यूज होता है इस तरह से हम इसके अंदर समझते हैं तो ये क्या करेंगे वेस्ट ले रहे हैं और वेस्ट को एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर कन्वर्ट कर दे रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है चलिए <coughs> तो इट इनेबल्स फार्मर्स टू प्रिवेंट ओपन बर्निंग ऑफ देयर वेस्ट कि भाई फार्मर से बोलते हैं कि भाई देखो सुनो कि ये वेस्ट है तुम इसको क्या करोगे बोलेंगे साहब क्या करेंगे हम नई क्रॉप करेंगे यहाँ पर तो इस वेस्ट को जला देते हैं हम बोले जलाओ मत मेरे को दे दो क्यों भाई तुमको क्यों दे देते मैं इसके बदले में तुमको पैसे दूंगा इन्होंने इसको पैसे दिए इन्होंने, इन्होंने इनको एग्रीकल्चर वेस्ट दे दिया अब इस एग्रीकल्चर वेस्ट को इसने एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया एंड दैट हाउस दैट्स हाउ द पॉल्यूशन जो होने वाला था उस पॉल्यूशन को इसने रोक दिया इस बहादुर विद्युत ने इसको पॉल्यूशन को रोक दिया दैट्स दैट इसको क्या मिल रहा है इसको पुरस्कार मिल रहा है और वो पुरस्कार कौन दे रहा है जल्दी से बताएं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देती है जल्दी से बताएं चार वर्ड का नाम है उसका जल्दी से बताएं ठीक है चैट सेक्शन के अंदर राइट तो इट एनेबल्स फार्मर्स टू प्रिवेंट ओपन बर्निंग ऑफ देयर वेस्ट रेसिड्यू एंड अर्न एक्स्ट्रा इनकम बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द वैल्यू एडेड केमिकल्स ठीक है और एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर ये करते हैं काम और इसके अंदर क्या होता है क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन इन तीनों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया इसलिए विद्युत मोहन को क्या कहा विद्युत मोहन को कहा कि भाई तुम क्या करो तुम जो हो यंग चैंपियन हो अर्थ के ठीक है एक क्योंकि तो इनकी एज कितनी थी विद्युत की 29 और किस एज कैटेगरी के अंदर आता है ये से 30 की एज कैटेगरी के अंदर आता है चैंपियन अवार्ड यंग

ठीक है विच आर ऑल्सो द ड्राइवर ऑफ द क्लाइमेट चेंज जिससे कि क्लाइमेट चेंज भी होता है तो उसको रोक दिया इन्होंने टकाचार ये करता है ठीक है दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन टकाचार दैट टकाचार इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन बेनिफिट क्या है ओपन बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू इज अ बिग सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प द फार्मर टर्न वट इज करेंटली थॉट ऑफ एज ए वेस्ट इन टू वैल्यूबल सोर्स कि पहले तो वो जला दे रहे थे अब उनको बोल रहे हैं भैया पैसे मिलेंगे इसके अंदर तो ये तो वैल्यूबल सोर्स हो गया एक तरह से किसका आ, जिससे कि एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और उसको जलाने के बजाय कचरे से आपने क्या कर दिया कचरे से आपने खजाना बना दिया दैट खजाना इज एक्टिवेटेड चारकोल बच्चा अभी यही बताया मैंने एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है लेट क्यों आए ये हमसे आप आ, आप इसको बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए एस एंटरटेनमेंट अभी यही बता रहे थे इतनी देर से एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है इनेबल्स रूरल फार्मर टू अंड फोर्टी परसेंट मोर बाय कन्वर्टिंग द क्रॉप रेसिड्यून टू द फ्यूल्स फर्टिलाइजर्स तो इनका भी बल्ले बल्ले हो गई फार्मर्स की भी और इसकी विद्युत की भी हो गई विद्युत को एक्टिव चारकोल मिल गया फार्मर्स को क्या हुआ और क्लाइमेट की तो हो ही गई क्लाइमेट को पैसा मिल गया सॉरी इसको फार्मर को पैसा मिल गया और क्लाइमेट को पॉल्यूशन नहीं मिला तो ये सब के लिए विन विन सिचुएशन हो गई ठीक है इज दिस ओके टू एवरी वन चलिए एक्टिवेटेड कार्बन आल्सो कॉल्ड द एक्टिवेटेड चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ द कार्बन प्रोसेड टू हैव स्मॉल लो वॉल्यूम पोर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एडजॉर्प्शन और द केमिकल रिएक्शन इजीली केमिकल रिएक्शन हो जाएगी इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ये होता है एक्टिवेटेड चारकोल एक ऐसा चारकोल रख दो लंप चारकोल का ठीक है इसके अंदर कहीं भी छेद वेद नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा ये जो होगा दैट इज़ नोन एज वाट दैट इज़ नोन एस सिंपल चारकोल एक इस तरह का चारकोल रखो जिसके अंदर स्पोर्ट्स हैं ऐसा चारकोल बनाओ तो इजीली रिएक्ट भी कर जाएगा बच्चों इसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा एडजॉर्प्शन जो होता है वो भी इजीली हो जाएगा इसका ये क्या कहला जाता है दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड चारकोल राइट तो टेन यूजेज होते हैं वाइटन्स टीथ तुम्हारी टीथ को वाइटन्स uh, करेगी ठीक है ट्रीट एल्कोहल पॉइजनिंग हेल्थ प्रिवेंट हैंगओवर ठीक है कभी हैंगओवर हो जाए तो उठाकर खा लो चारकोल ठीक है एक्टिवेटेड चारकोल नहीं ऐसे नहीं खाते ठीक है तो वाटर फिल्ट्रेशन ठीक है बॉडी एंड हेल्थ के लिए एंटी एजिंग होता है ये ठीक है रिड्यूस हाई कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्टिव क्लीनिजिंग एंड एमरजेंसी टॉक्सिन रिमूवल ठीक है कोई पेट के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गया है तो इसके लिए एक्टिवेटेड चारकोल आप यूज कर सकते हैं तो एक इतने सारे सारे क्या है फायदे हैं राइट चार कुल के ठीक है चलिए तो लोन पैक्ट विद द एनडीबी एक एनडीबी के साथ एक लोन का पैक्ट साइन हुआ है ठीक है गवर्नमेंट का जिसके अंदर यह बोला गया है कि देखो कोविड नाइनटीन के बाद रूरल डेवलपमेंट तो बिल्कुल ठप हो चुका बच्चों रूरल डेवलपमेंट तो हो गया ठप ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठप हो गया तो अब इसके लिए चाहिए पैसा तो गवर्नमेंट ने अभी वन बिलियन डॉलर यूएसडी डॉलर लोन पैक्ट साइन कराया किसके साथ एन के साथ नेशनल डेवलपमेंट बैंक टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कि एन डी बी विल प्रोवाइड गवर्नमेंट कितना पैसा वन बिलियन यू एस डॉलर देगा जिससे कि हम क्या करें रूरल डेवलपमेंट करें रूरल एम्प्लॉयमेंट सही करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें ये सब चीज़ें करें तो लोन पैक्ट विद एन डी बी न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड वॉट इज़ न्यू डेवलपमेंट वी विल लेट यू नो ठीक है आई विल लेट यू नो बट बिफोर दैट टू हेल्प इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम द कोविड नाइन्टीन सपोर्टिंग अभी क्या करा है सेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर रूर एंड रिलेटेड टू द नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर द मनरेगा प्रोग्राम्स ठीक है इसके अंदर क्या करेंगे पैसा डालेंगे कहाँ से डालेंगे वन बिलियन डॉलर से डालेंगे पैसा कहाँ से आएगा वन बिलियन डॉलर ये देगा हमको एन तो अभी आ सकता है कि रिसेंटली रिसेंटली इंडिया ने क्या करा है किसी के साथ एक वन बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन कराया है कोविड नाइन्टीन से बचने के लिए कौन से बैंक के साथ कराया है दैट इज नोन एज वर्ट दैट इज नोन एज एन बैंक ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर किस किस को क्लियर हो गया प्लीज लेट मी नो ठीक है अब एन की बैंक क्योंकि न्यूज़ में आ गया है तो दिस कैन बी वर्ड दिस कैन बी द क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन हो सकता है एन बैंक के ऊपर तो एन बैंक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वट इज दिस एन बैंक राइट चलिए एनडीबी बैंक के बारे में हम थोड़ा सा इसके अंदर बात कर लेते हैं राइट चलिए द लोन हैज एट एन्यर ऑफ थर्टी ईयर्स तीन साल तीस साल का लोन होगा ये भी आपको याद रखना होगा कि अभी जो हमने लोन लिया है एन से उसको तीस साल का लोन होगा फाइव साल का ग्रेस पीरियड होगा मतलब पैंतीस साल तक आप इसको चुका सकते हैं ग्रेस पीरियड इसके अंदर दिखाया गया द फंडिंग कम्स अंडर द एन पॉलिसी ऑन द फास्ट ट्रैक इमरजेंसी रेस्पॉन्ड टू द कोविड नाइन्टीन और स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प करने के लिए फंड लिया है। हमने कितना लिया बच्चों वन बिलियन डॉलर किससे लिया है बच्चों एनडी से एन क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है जॉइंटली फंडेड बाय द फाउंडेड बाय द ब्रिक्स नेशन बी आर आई सी एस ब्रिक्स नेशन से इनको फंड कह रहा है एनडीबी बैंक को और सिक्स ब्रिक सममिट के अंदर फोर्ट लेजा ब्राजील के अंदर हुआ था ठीक है बच्चों ये आता है क्वेश्चन कि कब हुआ था कब कौन सी सममिट के अंदर क्या है कौन सी सबमिट के अंदर एनडीबी बैंक बना था ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों फोर्ट लेजा ब्राजील के अंदर इस सिक्स ब्रिक्स सम्मिट के अंदर क्या था ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था राइट अच्छा भाई इट वॉज फॉर्म टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन द ब्रिक्स ब्रिक्स के अंदर जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मतलब डेवलप करने के लिए ये बैंक लिया था न्यू डेवलपमेंट बैंक अब देखो इसकी कहानी ये थी कि न्यू डेवलपमेंट वाले जैसे रशिया चाइना ठीक है इंडिया ये कह रहे थे कि भाई देखो ये है ना अच्छी बात नहीं है कि वर्ल्ड बैंक जो है ना वो तो क्या है उसके अंदर कोटा सिस्टम है वर्ल्ड बैंक के अंदर आई के अंदर तो वो तो क्या है चापलूस रहता है किसका अमेरिका का यूरोपियन यूनियन का हमको तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं हम अपना एक ख़ुद का बैंक बनाते हैं क्या बोलते हो भाई इंडिया ने बोला आ, इससे रशिया एंड चाइना से हम खुद का एक बैंक बनाते हैं क्यों ना हम खुद का एक बैंक बनाएं और इन्होंने कहा ठीक है तो दो कंट्रीज़ को और ले लेते ले हैं अब एक तो ब्राज़ील को ले लेते ले हैं ले, साउथ अफ्रीका को ले लेते ले हैं ले ले और इन सब के साथ मिलकर हम क्या करते हैं एक बैंक बनाते हैं और इस बैंक के अंदर क्या करेंगे देखो इधर का कोटा सिस्टम नहीं रखेंगे इसके अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे सबके इक्वल वोट्स होंगे सबके पास ठीक है कि ऐसा नहीं कि भाई चाइना के पास ज्यादा है इंडिया के पास कम है ऐसा नहीं सबके पास इक्वल होंगे सबका वोटिंग डिसीजंस जो होंगे वो इक्वल होंगे इस तरह से हमने इसके अंदर बताया राइट तो इज दिस क्लियर कि ब्रिक्स क्या है अब मुझे कोई बता दो कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर क्या है तो मजा आ जाए कोई भी एनी इन द्लास एनी वन इन द क्लास कैन लेट मी नो वट इज द ब्रिक्स हेडक्वाटर देखो इट्स ओनरशिप स्ट्रक्चर इज यूनिक एज ब्रिक्स कंट्रीज है इक्वल शेयर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वल शेयर होता है बच्चों एंड हैज़ नो कंट्री हैज़ वीटो पावर किसी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है सब 20 परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट के शेयर होल्डर हैं इस बैंक के अंदर शंघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है इज क्लियर टू एवरी भाई चाइना चाइना ने इसका बहुत उपज करा चाइना ने बोला कि भाई देखो मेरा वोटिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए मैं इसके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर दूंगा तुम बोलोगे तो पूरा पैसा इसके अंदर मैं ही लगा दूंगा हमने कहा कि भाई वैसे ही बात मत करो जैसे कि वर्ल्ड बैंक वाले करते हैं हम उनके अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं ना वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड uh, बैंक के पैरल में खड़े हो रहे हैं तो हमको उनसे अच्छा बनना होगा तो ऐसा कि कोटा वोटा सिस्टम वाली काम यहाँ पर स्टार्ट मत करो प्लीज़ इसको पॉल्यूट मत करो बोलो ठीक है भाई नहीं करते तो फिर मेरे को क्या करो मेरे को हेडक्वाटर बनाने दो तो यार तुम मेरे कंट्री के अंदर तो हमने कहा ठीक है तुम शंघाई के अंदर क्या करो हेडक्वार्टर बना लो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि शंघाई के अंदर हेडक्वाटर है ठीक है और ऐसे भी कर सकते हो कि ब्रिक्स ब्रिक्स के अंदर लास्ट में एस आ रहा है ना ब्रिक्स बैंक ठीक है तो एस मीनस शंघाई ठीक है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है ब्रिक्स का है और लास्ट में ऐसा आ रहा है तो एस शाई शंघाई चाइना के अंदर इसका क्या है हेडक्वार्टर है ये आपको इसके अंदर याद करना है राइट 2018 के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसीव ऑब्जर्वर स्टेटस दिस इज इंपॉर्टेंट देखो ये बना था 2014 के अंदर कौन सी सबमिट के अंदर बना था जल्दी से बताओ कहाँ पर सबमि हुई थी जल्दी से बताओ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है न्यू डेवलपमेंट बैंक की सब्मिट कहाँ हुई थी ये बता दो इनको दो हज़ार में हुई थी कहाँ पर हुई थी ये बता दो 2018 में विद इन चार साल ठीक है इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कि तुम क्या हो एक तरह से ऑब्जर्वर स्टेटस है तुम आओ हमारे यहाँ पर मेहमान की तरह ऑब्जर्व करके जाओ कि क्या क्या बातें हो रही है एस्टेब्लिशिंग द फॉर्म बेसिस फॉर एक्टिव एंड द फ्रूटफुल कॉपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस ठीक है जिससे कि क्या हो कि फॉर्म जो हो ये ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्रूटफुल काम करे राइट ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शेयर द मेंबर्स ऑफ द बैंक कुड बी द मेंबर ऑफ द बैंक कोई भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर हो सकता है बैंक का मेंबर हो सकता है शेयर ऑफ द ब्रिक्स नेशंस कैन नेवर बी लेस देन 55% ऑफ द वोटिंग पावर राइट सिक्स इंडिया सी एम एल वी बिजनेस कॉन्क्लेव ये सिक्स इंडिया सी एम एल वी बिजनेस कॉन्क्लेव है सी एम एल वी क्या होता है बच्चों कम्बोडिया म्यांमार लाओस एंड वियतनाम ये होती है सी एम एल वी कंट्रीज अभी इंडिया ने इनके साथ क्या करा है एक सबमिट करी है और इस सबमिट को ऑर्गेनाइज़ करा है सी आई आई ने कौन है ये सी आई आई ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ये सी आई आई है ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर फोर्ट लीजा ब्राजील वेरी गुड ठीक है कहकृश तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इज एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एसोसिएशन के अंदर हमने क्या कहा सी एम एल वी वालों आओ और हम तुम्हारे साथ बिजनेस कॉन्क्लेव करेंगे सीएमएल वी ने बोला ठीक है सर बिजनेस कॉन्क्लेव करिए आप ऑर्गेनाइज कॉन्क्लेव टू एनहांस रीजनल कॉपरेशन विद अ फोकस्ड एसेबलेन ऑफ की प्लेयर ऑफ दिस रीजन ठीक है सी और इंडिया के बीच में बिजनेस कंपनी हुई है किसने कराई है सी ने कराई है प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ठीक है बच्चों आगे चलते हैं इंडिया यूनाइटेड सी टू ज्वाइन तो द आई एस एंड रिजिलेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव जो इंडिया ने अभी कोविड नाइन्टीन के बाद रेजिलेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव स्टार्ट करा है उसको ज्वाइन करने के लिए बोला है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बोला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन इनके बीच में जो कंट्री पड़ती है उनके ऊपर बहुत सारी सूरज की किरणें आती हैं सूरज की किरणें आती हैं तो उन किरणों के अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम किससे है सोलर पैनल्स बना के जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस किसने स्टार्ट करा था बच्चों इंडिया और फ्रांस ने इसको स्टार्ट किया था सिक्स इंडिया सी एम एल वी बिजनेस कॉन्क्लेव इज दिस क्लियर टू एवरी वन राइट चलिए इनिशिएटिव टुक टू प्रमोट कॉपरेशन है ना कॉपरेशन है कि इनके बीच में इस तरह से अपन ने कॉपरेशन इंक्रीज करने के लिए कराया ठीक है तो हम देखते हैं कि भाई इंडिया और उसके बीच में क्या क्या कौन कौन से कॉपरेशंस हैं इंडिया सी एम एल वी बिजनेस कॉन्क्लेव इज़ वन ऑफ द थिंग्स दिंग्स गंगा ठीक है ट्राई लिटरल हाईवे बन रहा है आई एम टी कॉरिडोर जो ओपन बन रहा है ठीक है एम टी कॉरिडोर जिसको ट्राइलेटरल हाईवे भी बोलते हैं ठीक है ठीके? और भी बहुत सारी कनेक्टिविटी के अंदर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है ठीक है जो वेस्ट बंगाल से लिंक कर रहा है इसको मिजोरम को राइट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बाय द इंडिया टू कैटेलाइज ये सब चीज़ें हैं ठीक है एंड इन सब हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्या है हेरिटेज साइट्स के ऊपर इंडिया क्या कर रहा है रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन चला रहा है उसको रिस्टोर कर रहा है और प्रिजर्व कर रहा है उसको तो ये है ना बच्चों ये सारे के सारे आपको याद रखना है मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कराए थे आपको वंस अपॉन ए टाइम आई होप सबको याद हो राइट right? तो ये है कम्बोडिया के अंदर टा प्रोनो एंड प्री विरा टेम्पल ठीक है वेट फो और मैसन टेम्पल एंड आनंद टेम्पल ये है इसके अंदर ठीक है किसी को ये याद करने या इस दिस ओके आप याद कर लेंगे अपने आप प्लीज़ ट्रिक्स के थ्रू चलो याद करा देते हैं देखो इसको ऐसे याद करो कि आनंद टेम्पल आनंद में कौन रहेगा अगर मान लो बहुत सारे लोग हैं जो कि आसपास रहते हैं ठीक है डाकू टाइप के लोग ठीक है कोई आपको रॉब कर ले या फिर कोई आपको कुछ कर दे तो आप आनंद में कब रहेंगे जब आपके म्यान में तलवार होगी तो म्यांमार आनंद टेम्पल इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं ठीक है देखो इसको मायसन को कैसे कर सकते हैं मेरे सन का वेट बहुत कम हो गया है ठीक है एक औरत ऐसे बोल रही है एक लेडी ऐसे बोल रही है मेरे सन का वेट जो है ना वो बहुत कम हो गया वेतनाम ठीक है वेत नाम सन ठीक है इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं राइट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वाट फो लाउज ठीक है तो वाट का मतलब क्या होता है कि वेट वेट समझता हो ना वेट और पोह का मतलब हो सकता है या फिर पोह से याद कर लो पोह का मतलब पोहा पोहा लाओ ठीक है तो लाउज ठीक है वेट से भी याद कर सकते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसको लेकर आओ ठीक है लाओ तो लाउस ठीक है और ट्रा प्रोन है पिरे और पिरे विहार टेम्पल ठीक है ये कम्बोडिया है इसको देखो प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है कम बोला जा रहा है इसके अंदर तो ट्रा प्रोनो एंड पिरे विरहार टेम्पल तो ये कंबोडिया के अंदर ठीक है इस तरह से आप अपने भी बना सकते हैं लर्न कर सकते हैं तो आनंद टेम्पल हो गया म्यांमार के अंदर माई सन टेम्पल हो गया वियतनाम के अंदर वेट पोहो हो गया पोहा लाओ लाओस के अंदर और टा प्रोनो एंड पिरे विरहार टेम्पल कम्बोडिया ठीक है तो मैं ये पूछूंगा थोड़ी देर बाद आपसे तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन याद है याद हुआ बच्चों प्लीज लेट मी नो राइट नेक्स्ट इज इनर लाइन परमिट इन मणिपुर मणिपुर के अंदर इनर लाइन परमिट के बारे में बोले यूनियन होम मिनिस्टर कि देखो इनर लाइन परमिट सिस्टम के क्या क्या इंपॉर्टेंस है मणिपुर के अंदर इसके बारे में इसके अंदर बात बताइए तो इनर लाइन परमिट होता क्या है बच्चों चार अभी स्टेट के अंदर इनर लाइन परमिट चल रहा है ये जो कॉर्नर मोस्ट स्टेट है ये सबसे जो वेस्ट मोस्ट स्टेट अपन बोल सकते हैं ईस्ट मोस्ट स्टेट बोल सकते हैं इन चारों के अंदर ही क्या है इन चारों के अंदर ही अभी आई की रिक्वायरमेंट होती है आई क्या होता है एक तरह से क्या है एक डॉक्यूमेंट है अगर तुम मान लो अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहते हो तो तुम्हें वो डॉक्यूमेंट लगेगा उस डॉक्यूमेंट में ये लिख रखा होगा कि भाई इंडिया के इस कॉर्नर से आ रहा है राजस्थान से आ रहा है इसको 10 दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाज़त दी जाती है ठप्पा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट तो इस तरह से क्या होगा कि आप आकर यहाँ पर दस दिन आप यहाँ पर रह सकते हो ये एक तरह से आपका डॉक्यूमेंट है किसके लिए कि आप अरुणाचल प्रदेश में आपको अलाउ कर रहे हैं रहने के लिए दैट इज नोन एज इनर लाइन परमिट सिस्टम आई एल पी ओम माई गॉड आई एल पी का मतलब ये होता है क्या ओके okay. तो क्या है इज ए डॉक्यूमेंट दैट अलाउज एन इंडियन सिटीजन टू विजिट और स्टे इन ए स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द आई एल पी जो कि आई एल पी के अंडर प्रोटेक्ट है अरुणाचल प्रदेश ठीक है नागालैंड वहां से चलो देखो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम ठीक है दिस आर द दट दिस आर द फोर स्टेट जहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है राइट टाइप ऑफ विजा सिस्टम डोमेस्टिक वीजा सिस्टम अपन कह सकते हैं नो इंडियन सिटीजन अगेन आई एम सिंग नो इंडियन सिटीजन कैन विजिट एनी ऑफ दिस स्टेट अनलेस ही और शी बिलोंग्स टू दैट स्टेट नॉर कैन ही और ओवर स्टे बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द आई एल पी ठीक है आई एल पी के अंदर जितना मेंशन है अगर दस दिन का कह रखा है तो दस दिन ही रुकना है ऐसा नहीं कि मैं सौ दिन रुक कर आ जाऊँ यार मेरे पास आई एल पी जो है दिखा देंगे अरे भैया उसमें लिख रखा है टेन डेज पकड़ के अंदर डालेंगे तुम्हें आई एल पी इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है तो दिस इज हाउ द आई एल पी कॉन्सेप्ट यू हैव तो टू अंडरस्टैंड कि वो उस पर्टिकुलर एरिया का होना चाहिए अदरवाइज क्या है कि उसके पास आई एल पी होना चाहिए ठीक है तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर लाइन परमिट चलो तो कंसेप्ट केम्स फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम कॉलोनियल टाइम्स पे है आपको कंसेप्ट पता है आपको कॉलोनी के टाइम पर ये कंसेप्ट हुआ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी ये था ब्रिटिश फ्रेम द रेगुलेशन उन्होंने रेगुलेशन फ्रेम करा रेस्ट्रिक्टिंग द एंट्री एंड रेगुलेटिंग द स्टे ऑफ द आउटसाइडर इन द डक वो चाहते थे कि ये जो लोग हैं ना ये नॉर्थ ईस्ट के लोग ये किसी से मिले ना भाई किसी से बातचीत ना करें नहीं तो ये क्या करेंगे ट्रेड करने लग जाएंगे यहाँ पर उगती थी टी आपको पता है क्यों है ये इनर लाइन पर में यहाँ पर टी उगाया करते थे ये ठीक है तो ये सोचते थे अगर ये टी और टी बहुत फेमस थी कहाँ पर ब्रिटेन के अंदर कि बोले यार बहुत ही मस्त चीज़ है टी है ना और यहाँ पर ही इस तरह का एटमोसफेयर कहाँ ब्रिटेन में नहीं मिलता था तो इसकी खेती कहाँ होगी इसकी खेती नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही होती थी ठीक है तो अब इनको बोला गया कि भाई अगर तुम मान लो किसी और से कांटेक्ट में रहोगे तो उनको टी बेच दोगे तो तुम्हारी टी पे तो हमारे कंट्रोल होना चाहिए बिकॉज ब्रिटेन वाले टी बहुत ज़्यादा पीते थे ठीक है तो इन्होंने क्या करा इसलिए इसके अंदर आई सिस्टम निकाल के लेकर आए इनर लाइन परमिट सिस्टम वहाँ पर ये कहते थे ब्रिटिश सिटीज़न्स अब हमने ब्रिटिश सिटीजन्स को हटाकर इंडियन सिटीजन्स कर दिया बस ये चेंज करा है बाकी ये सब चीज़ सही है सेम है कि वीज़ा सिस्टम चाहिए होगा आई अगर आपको इनके अंदर इन चार कंट्रीज़ के अंदर क्या करना है इंटर करना है तो वाट आर दिस चार कंट्रीज़ बताओ जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर फर्स्ट फर्स्ट लेटर डाल दो उसके अंदर चार कंट्रीज़ क्या है प्लीज़ लेट मी नो ठीक है अब इंडिया के अंदर अब क्यों करा गया ये भाई अब तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है तो अब क्यों करा गया ब्रिटिशर्स ने करा था उनका तो समझ में आता था, था भाई वो तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना जहाँ प्रॉफिट देखे ना वहाँ कूद पड़ते थे हम क्यों कर रहे हैं इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ना ट्राइबल लोग रहते हैं उन ट्राइबल लोगों का कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद नाइनटीन के अंदर द वर्ड ब्रिटिश सब्जेक्ट वॉज रिप्लेस बाय द इंडियन सिटीजन एंड फोकस ऑन द बैन ऑन द फ्री मूवमेंट वॉज एक्सप्लेन एज ए बिट टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल कल्चर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और फिर उन्होंने बोला कि अब हम आई एल पी लगाएंगे तो सड़ी पर उसका क्या है उसका इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर ये चेंज करेंगे क्या चेंज करेंगे हम फ्री मोमेंट्स को बैन कर देंगे क्यों करेंगे फ्री मूवमेंट को बैन बिकॉज टू प्रोटेक्ट द वॉट ट्राइबल कल्चर ठीक है इज दिस क्लियर टू एवरी वन दिस इज नोन एज वाट दिस इज़ नोन एज इन अर लाइन परमिट राइट तो आई एल पी इज शूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न ठीक है स्टेट गवर्नमेंट करता है इशू दिस वॉज टू प्रोटेक्ट द क्राउन्स ओन कमर्शियल इंटरेस्ट बाई प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन दिस रीजन उस टाइम क्राउन क्यों करता था बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उसका खुद का इंटरेस्ट रहता था ठीक है नेक्स्ट इज श्रीनिवासा रामानुजन कौन थे ये भाई मैथमेटिशियन थे इनके ऊपर द मैन हु नोज इन्फिनिटी नाम की मूवी भी बन चुकी है टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स हंड्रेड डेथ एनिवर्सरी डैथ एनीवर्सरी है हंड्रेड तो ये श्रीनिवास रामानुजन की तो इसलिए ये क्वेश्चन कैन बी आस श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ये कहाँ के रहने वाले थे किस स्टेट में रहते थे इंडिया के प्लीज़ आंसर मी एनीबडी इन द क्लास कैन लेट मी नो ये जो हमारे इतने बड़े मैथेमेटिशियन थे क्या आप बता पाएंगे कि कौन से स्टेट में रहते थे नी बड़ी इन क्लास जल्दी से बताएं एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल अदरवाइज अगर आपको देखिए कंटिन्यू करनी है ना इस चीज देखिए जैसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ा था पर इंडियन एक्सप्रेस कंटिन्यू नहीं हो पाया बिकॉज आप लोग शेयर वेयर कम कर रहे थे राइट अगर आपको ये पूरा वन पॉइंट फाइव ईयर का करंट अफेयर्स कराने का मेरा प्लान है इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू दिस वन तो बचो शेयर इट एज मच एज पॉसिबल अदरवाइज आई कैन नॉट कंटिन्यू इस सिम्पल फंडा जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा दैट इज़ अ सिंपल फंडा अदरवाइज आई हैव टू स्टॉप इट आई डोट नॉट वॉन्ट टू स्टॉप इट बिकॉज प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास होने वाला है बिहार के <laughs> एस एंटरटेनमेंट बिहार के बोल रहे हैं कोई बोल रहे हैं तमिलनाडु के कोई बोल रहे हैं कैलकटा के ठीक है तो ये किसके हैं तमिलनाडु के हैं तमिल है, श्रीनिवासन श्रीनिवासा रामानुज मनोज वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर एटीन एट सेवन इन द टाउन ऑफ तमिलनाडु ठीक है इरोडे टाइम के अंदर मिले थे तमिलनाडु के अंदर राइट हिस् बर्थ एनिवर्सरी ऑन ट्वेंटी टू दिसंबर ट्वेंटी टू दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ठीक है इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल मैथमेटिशियन डे टू ऑनर द अचीवमेंट ऑफ लीजेंडरी मैथेमेटिशियन इस लीजेंडरी मैथेमेटिशन को ऑनर करने के लिए बाईस दिसंबर क्या होता है मैथामेटिक्स डे होता है you... ठीक है सो दिस इम्पॉर्टेंट ही रिसिव हिज डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज से इन्होंने डिग्री रिसीव करी थी अब इन्होंने इलेक्टिक इलेक्ट्रिक फंक्शंस और थ्योरी ऑफ नंबर्स इनके ऊपर बहुत अच्छा काम करा है और रामानुज वॉज इलेक्टेड टू द लंडन मैथमेटिकल सोसाइटी नाइनटीन अंडर सेवेंटीन के अंदर लंडन मैथमेटिकल सोसाइटी के अंदर को करा था राइट right? अब देखो एक होता है हार्डी नंबर हार्डी रामानुजन नंबर ये नंबर है वन सेवन टू नाइन इसकी क्या खासियत है बच्चों इसके अंदर देखो विच इज अ स्मॉलेस्ट नंबर ये स्मॉलेस्ट नंबर है ऐसा ये इतना चार ये स्मॉलेस्ट नंबर है ठीक है विच कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज जो दो क्यूब्स के अंदर दो डिफरेंट ऐसा कोई और नंबर इससे कम वाला आप मेरे को खोज के बता दो जिसको आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं दो क्यूब्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज वॉट दिस इज द दिस इज वॉट दिस इज द रामानुज हार्डी रामानुज नंबर ये हार्डी रामानुज नंबर इसके अंदर आप देखेंगे राइट नेक्स्ट इज सी ऑफ गैलीले ठीक है सी ऑफ गैलीले के अंदर मतलब क्या है भी बोलते हैं इसको इज वन ऑफ द लोवेस्ट लाइंग बॉडी है लोवेस्ट लाइंग बॉडी ऑफ द वाटर वाटर की लोवेस्ट लाइंग बॉडी है और ये कहाँ पर है नदन इसराइल के अंदर है तो ये पूछ सकते हैं सी ऑफ गैलीले क्या है तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे और चारों ही सेम से लगेंगे ठीक है आपको वो ऑप्शन करना है कि लोवेस्ट लाइन एक होगा लोवेस्ट लाइन एक होगा हाइएस्ट लाइन ठीक है इस तरह से भी हो सकता है राइट तो आप ये देखिए ये क्या है लोवेस्ट लाइन बॉडी है और कहाँ पर है ये इट इज लाइज इन द नदन इज़राइल नदन इज़राइल के ऊपर हैती है ये बिटवीन द इज़राइल ऑक्यूपाइड ग्लोलन हाइट्स एंड गैलीली रीजन कहाँ पर है देख ही लेते हैं ना मैप में ये रही भाई इसके इधर देखेंगे तो सीरिया अरे ये तो वही आ गया है जीप वाला ठीक है इसराइल है इसके नीचे क्या है जीप सर पे क्या है लैब रिया और जॉर्डन तो रिया और इसके बीच में इसराइल के बीच में एक क्या है एक यहाँ पर सी ऑफ गलीले है ये लोवेस्ट लैंग है बच्चों लोवेस्ट लैंग वाटर लेक राइट नेक्स्ट इज कलमकारी आर्ट कलमकारी आर्ट अच्छा तो अभी ये न्यूज के अंदर क्यों है इट इज फ्रेश वाटर बॉडी फाइड बाय द अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स बट इट्स मेजर सोर्स इज जॉर्डन रिवर जॉर्डन रिवर इसकी मेजर सोर्स है विच फ्लोज थ्रू द सी ऑफ गलीले बिफोर एंडिंग इन द डेड सी डेड सी में जाने से पहले ये क्या करती है ये सी ऑफ गैलीले उसके थ्रू फ्लो करती है ठीक है वॉट इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी ऑफ गैलीले बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट बैरोमीटर फॉर द वाटर सिचुएशन इजराइल इसराइल के अंदर वाटर सिचुएशन की बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है सोर्स है एक तरसी मान लीजिए एक रिवर एक सोर्स है राइट नेक्स्ट इज कलमकारी आर्ट कलमकारी आर्ट क्या है कलम और कारी ठीक है दो चीज़ें हैं कलम का मतलब होता है पेन ठीक है और कारी का मतलब होता है क्राफ्टमैनशिप है ना जैसे कलाकारी ठीक है वैसे ही कारी है ये ठीक है कारी का मतलब क्राफ्टमैनशिप होता है और कलम का मतलब होता है पेन ठीक है और ये पेंटिंग बनती है क्लोथ के ऊपर और किससे बनती है वेजिटेबल डाइस से बनती है बच्चों ये पेंटिंग अप्लाइड ऑन द क्लोथ क्लोथ के ऊपर जो अप्लाई करते हैं अपन वेजिटेबल डाइस उससे ये पेंटिंग बनती है राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी चलिए आगे चलते हैं द आर्ट ऑफ पेंटिंग यूजिंग ऑर्गेनिक डाइज ऑन द क्लोथ वॉज पॉपुलर इन द सेवरल पार्ट ऑफ द इंडिया दिस आर्ट इज मेनली रिलेटेड टू डेकोरेटिंग टेम्पल इंटीरियर्स विद पेंटेड क्लोथ पैनल्स विच वॉज डेवलप इन द फिफ्टीन सेंचुरी अंडर द पेट्रोनेज ऑफ विजयनगर रूलर्स विजयनगर रूलर्स ने इसको पैट्रोनेज दे के कलमकारी को क्या करा था डेवलप कर दिया था राइट right. दे आर वेरी ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सीबल इन द साइज एंड मेड अकॉर्डिंग टू दैम इसके अंदर रामायण महाभारत हिंदू रिलीजियस माथोलॉजी इन के बारे में बात करी जाती है पेडना टाउन इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इस नोन फॉर कलमकारी इसको कलमकारी के लिए जाना जाता है पेडना टाउन को ये आपको इसके अंदर याद रखना है कलमकारी के अंदर दो डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स होती है बच्चों श्री कला हस्ती स्टाइल और मसूलीप्टनम स्टाइल दिस टू स्टाइल्स आर वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट श्रीकला हस्ती और वॉट नेक्स्ट इज मसूलीपट्टनम स्टाइल ठीक है तो टू डिस्टिंकटिव स्टाइल होती है मसूलीपट्टनम जो होता है ये मुस्लिम से याद करो मतलब पर्शियन आर्ट इसके अंदर होता है और श्री कला हस्ती श्री श्री जो करते हैं ना जैसे श्री कृष्ण ठीक है उससे याद करो और वो जो होगा हिंदू पेट्रोनेज के अंदर इसके अंदर प्रोवाइड करेगा तो टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड राइट राइट नेक्स्ट इज कुर्स कुर्स क्यों न्यूज के अंदर है बताओ क्योंकि तो अभी यूरोपियन कोर्ट ने ह्यूमन ह्यूमन राइट की यूरोपियन कोर्ट ने एक प्रोमिनंट कुर्दिश पॉलिटिशियन ठीक है सल आ, सेला हटिन डेमेरेटस ठीक है उसको प्रिजन से आज़ाद करने के लिए बोला है टर्की को टर्की को बोला है कि इसको छोड़ दो भाई टर्क उसके कुर्ट्स के एक जो पॉलिटिशियन है उसको छोड़ दीजिए कुर्दिश पॉलिटिशिय को उसको छोड़ दीजिए राइट इस तरह से इसके अंदर बोला गया है राइट तो अब देखिए इसमें कुर्ट्स क्या होते हैं कुर्स देखो ये है कुर्स के साथ है ना बहुत धोखा हुआ बच्चों क्यों हुआ सर क्या हो गया इनके साथ ऐसा इनके साथ है ना बच्चों पहले इनको बोला गया कि हम तुमको है ना सेपरेट स्टेट देंगे है ना टी टी ऑफ वेसरस वैस, के अंदर बोला गया कि हम तुमको क्या करेंगे सेपरेट स्टेट देंगे तो कोर्स हो गए क्या कोर्स हो गए बहुत ही खुश तो सर सेपरेट स्टेट का मतलब मतलब जहाँ जहाँ पे कुर्द लग रहे हैं ना वहाँ वहाँ पे उनका कुर्दिस्तान बना देंगे एक ओके सर क्या ये एथेनिक है हाँ तो सर ऐसे बताइए ना पहले ये एथनिक हैं एथनिक लोग हैं जो कि एक साथ रहने के लिए कुर्दिस्तान चाहते हैं तो पहले इनको बोला गया कि एक ट्रीटी के अंदर इनको बोला कि हम क्या करेंगे हम आपको क्या करते हैं बच्चों हम आपको एक अलग स्टेट दे, दे देंगे ऐसा कोई कुर्दिस्तान स्टेट दे देंगे दे 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 जिसमें आप सारे कुर्द भाई है ना साथ साथ रहना बट ऐसा ना करके इसके अंदर क्या करा इसके अंदर इनके साथ धोखा कर दिया और धोखा करा और कुछ तुर्क तुर्की में रह गए कुछ सीरिया के अंदर कुछ इराक के अंदर कुछ ईरान के अंदर सभी देखो हर जगह माइनॉरिटी के अंदर है ये हुआ इनके साथ धोखा तो इस धोखे का बदला ये ये लेना चाहते हैं कि हमको कुर्दिस्तान चाहिए चाहिए और चाहिए ये इनका क्या है ये इनका मोटिव है लाइफ का ये इसके अंदर आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए ठीक है चलिए तो देखो कुर्स कौन कौन से सिट सिट आर्मेनिया ठीक है इसे याद रखो कुर्स कहाँ कहाँ है सीरिया ठीक है ईरान इराक और टर्की और अर्मेनिया ठीक है इनके अंदर ये है ठीक है टर्की के अंदर इराक के अंदर सीरिया के अंदर ईरान के अंदर और आर्मेनिया के अंदर कुर्स रहते हैं अलग अलग पहले इनको कहा था कि तुम्हें एक सेपरेट हिस्ट्री दिया कब पहले बहुत पहले 1916 के अंदर जब टिटी ऑफ वेसेवरस जो साइन हुई थी उसके अंदर इसके अंदर कहा था ठीक है ट्रि टी ऑफ सेवरस राइट तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड द डिफीट ऑफ द ओटूमन एम्पायर द विक्टोरियस वेस्टर्न अलाइज ठीक है मेड प्रोविजन फॉर द कुर्दिस्ट स्टेट इन द 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरस ठीक है 1920 के अंदर ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी उसके अंदर इनको वादा किया था कि हम तुमसे वादा करते हैं वी द पीपल ठीक है तो हम तुमसे वादा करते हैं कि ब्रिटिशर्स और फ्रांस ने इनको वादा करा कि हम तुम्हें क्या करेंगे कुर्द्स दे देंगे कुर्दिस्तान एक आपका बना देंगे राइट right? <laughs> पर अगली ही ट्रीटी के अंदर ट्रीटी ऑफ लसुने लहसुन लहसुन से याद कर लेना इसको लहसुन बहुत ही जैसे चिपरा होता है तो इनके लिए कुर्स के लिए बहुत चिपरा रहा ठीक है 1923 के अंदर जब इन्होंने कहा कि देखो हम तो तुम्हें कुछ नहीं दे रहे टर्की बना दिया एक उन्होंने सीरिया बना दिया ठीक है तो और इसके अंदर कुर्स जो थे वो माइनॉरिटी स्टेटस के अंदर रहने लग गए रेस्पेक्टिव कंट्रीज के कहाँ तो इनका एक पूरा नेशन बना के देता था कहाँ हर कंट्री के अंदर इनको क्या करा एक माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया तब से ये लड़ाई चली आ रही है ट्रीटी ऑफ लसोने से कि हमको हमारा कुर्दिस्तान चाहिए दिलाई दो ठीक है कुर्दिस्तान दिला दो हमको हमारा इस तरह से कुर्स का ये मूवमेंट चलता रहता है ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज़ अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम एक अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम है कि मतलब इसके अंदर देखो कोई हेरिटेज है उसको अडॉप्ट करना है आपको अब हेरिटेज को अडॉप्ट करने के लिए ना तीन लोगों की ज़रूरत पड़ी तीन लोग मिलकर हेरिटेज को अडोप्ट करेंगे कौन कौन इस स्कीम के अंदर कौन कौन आएंगे ये हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल आएगी मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर आएगी प्लस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया इन तीन लोगों ने अडॉप्ट कराया किसको अडॉप्ट अडॉप्टया बच्चे को अडॉप्ट नहीं कराया भाई क्या बन रहे हो यार बच्चों को अडॉप्ट होना करेंगे हेरिटेज को अडॉप्ट करेंगे ना हेरिटेज स्कीम है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन तीनों ने मिलकर अडॉप्ट किया है ये स्कीम ऐसे समझो हेरिटेज स्कीम के अंदर ये तीन चीज़ें हैं अब इसके अंदर क्या होगा हेरिटेज स्कीम के अंदर ये तीन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है बच्चों कौन कौन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और तीसरा कौन है ए इसके अंदर क्या किया जाएगा अगेन मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट कंपनी है अब कंपनी जो होती है ना हर कंपनीज को सी अपनी एक्टिविटी करनी पड़ती है सी एस आर बटल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी मैंडेटरी होती है कि सी एस आर आपको करनी पड़ेगी मतलब इतना कमा रहो इतना खा खापी रहो तो थोड़ा सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दो तो हमने कहा ठीक है सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे राइट तो कॉन्ट्रीब्यूट करा सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व सी एस आर एक्टिविटी तो उन्होंने कहा कि हम पता है कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हम किसी को अडॉप्ट कर लें तो कैसा रहे हेरिटेज को तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हो बिकॉज हमारे पास अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम है इस स्कीम के अंदर आप किसी हेरिटेज को अडॉप्ट कर लो और इससे क्या होगा उसका आप रखवाली कर लेना उसकी आप क्या कर लेना उसको एक तरह से ट्रस्टीशिप की तरह ट्रस्टी की तरह उसको क्या करना डेवलप करना उसको अपने बच्चे की तरह अडॉप्ट करो और उसको वैसे डेवलप करो और उसके अंदर अपना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी तुम यूज़ कर सकते हो ठीक है तो ये किसने कहा ये तीन मिनिस्ट्री ने मिलकर ये एक स्कीम बनाई दैट इज़ नोन एज अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम तो इसके अंदर क्या है अंडर दिस द प्राइवेट कंपनीज़ पब्लिक कंपनीज़ एंड कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स इवन द इंडिविजुअल कैन अडॉप्ट द हेरिटेज साइट्स हेरिटेज साइट्स को डॉप्ट अपन इसके अंदर कर सकते हैं इसके अंदर ये बताया गया ठीक है नेक्स्ट अडोप्ट हेरिटेज स्कीम के अंदर जो भी करेगा ना जैसे मान लो मेडिय कंपनी है एक्स कंपनी मैंने कहा कि मैं को रेड फोर्ट मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ तो बोलेंगे ऐसे कैसे रेड फोर्ट अडॉप्ट कर रहा हूँ अभी इसके ऊपर पूरी क्या करेंगी कमेटी बैठेगी और वो डिसाइड करेगी अच्छा सर सर किस स्कीम के अंदर अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के अंदर और किस स्कीम अच्छा सर कौन चला रहा है इस स्कीम को तीन जने चला रहे हैं बेटा कौन कौन चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और तीसरा जो है वो चला रहा है अपना ए एस आई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओके सर अब समझ में आए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ये तीनों मिलकर एक स्कीम बनाइए सर और अगर मेरे को किसी को अडॉप्ट करना है तो इस स्कीम के अंदर मैं कोई भी हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकता हूँ और सर इट विल बी काउंटेड इन माई सी एस आर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट हो जाएगी मैंने कहा बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही इसको पकड़ लिया है ठीक है तो अब देखो अच्छा सर तो मेरा नाम क्या होगा तुम्हारा नाम होगा उसके अंदर मॉन्यूमेंट मित्रास और तुम अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काम कर सकते हो इट एंडेस क्या क्या करोगे डेवलपमेंट ऑफ मॉन्यूमेंट हेरिटेज एंड टूरिस्ट साइट्स अक्रॉस इंडिया एंड मेक द टूरिस्ट फ्रेंडली टूरिस्ट फ्रेंडली आप इसको बनाओगे ठीक है द साइट्स मॉन्यूमेंट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द टूरिस्ट फुटबॉल एंड द विजिबिलिटी कैसे सेलेक्ट किया जाता है कि भाई कितना टूरिस्ट फुटबॉल है कितना विजिबिलिटी है उसकी सबसे साइट का सिलेक्शन हुआ अच्छा साइट के बाद फिर क्या करते हैं कि भाई देखो अब तुमको अब साइट का सिलेक्शन तो हो गया अब दूसरा सिलेक्शन किसका है कि कौन इसको अडॉप्ट करेगा ठीक है तो उसका सिलेक्शन करने के लिए एक कमेटी होती है बच्चों एक होती है ओवर साइट एंड विजन कमेटी और इसके अंदर टूरिज़्म सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सेक्रेटरी बैठते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई कौन बिडर आया है कौन आया है भाई अच्छा ये पर्सन आया ए बी सी डी ये चार पर्सन आया अब उनका विजन क्या है वो ये सोचते हैं कि क्या विज़न है क्या ये बनाना चाहते हैं किस तरह से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये यूज़ करेंगे अपनी ठीक है तो ये सब चीजें देखकर फिर क्या होता है फिर बिडर्स का विजन देखकर उनको क्या कर दिया जाता है हेरिटेज साइट दे दी जाती है राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी ठीक है तो इट्स मेड चटर ऑफ द इंडियन नेवल फॉर द ओके. तो ये तो ये बीच में कुछ और आ गया है तो आई होप अडोप्ट हेरिटेज स्कीम ये आप समझ गए होंगे इसके अंदर राइट अब देखिए नेक्स्ट इस कोस्टल रडार चेन नेटवर्क कोस्टल रडार चेन नेटवर्क क्या है कि हम अपने पड़ोसी देशों को ठीक है एक क्या कर रहे हैं क्योंकि देखो हमारा हमने देखा था कि 7500 किलोमीटर लॉन्ग हमारी मेरी टाइम बाउंड्री तो इस बाउंड्री को हमको सिक्योर करना है अगर इस बाउंड्री को अगर हम सिक्योर कराए इस कोस्टल एरिया को हमको सिक्योर करना है तो हमें अपने मित्र देश जो है जैसे श्रीलंका हो गया जैसे बांग्लादेश हो गया ठीक है और कंट्रीज हो गई इन सब से बात कर कर इनको क्या करना पड़ेगा इनके अंदर रडार लगाने पड़ेंगे ठीक है जिससे कि क्या हो रडार क्या करेगा रडार इसके अंदर देख लेगा क्या देख लेगा रडार इसके अंदर देख लेगा ठीक है रडार क्या देख लेगा इसके अंदर ये चीज़ देख लेगा रडार कि भाई देखो कि आ, कोई आ, एनिमी शिप तो नहीं आ रहा है कोई कोई को, को, जो वो होता है वारशिप तो नहीं आ रहा है इस तरह से ये देख लेगा कोस्टल रडार चेन नेटवर्क तो।, तो हम क्या है एक तरह से चेन बनाना चाहते हैं हमारे मित्र देशों के साथ जैसे कि मालदीव्स हो गया म्यांमार हो गया बांग्लादेश हो गया इसके अंदर हम एडवांस स्टेजेस के अंदर क्या करना चाहते हैं कोस्टल रडार स्टेशन निकाल रडार क्या करेगा सर्विलास करेगा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है यह आपको इसके अंदर समझना होगा राइट तो कोस्टल रडार चेन नेटवर्क क्या है द रडार चेन विच लिंक्स अप विथ सिमिलर सिस्टम इन द इंडिया श्रीलंका एंड मॉरिशियस एंड शीशल्स विल प्रोवाइड ए कॉम्प्रेंसिव लाइव फीड ऑफ द शिप मूवमेंट कि शिप मूवमेंट कैसे हो रहा है उसका बिल्कुल लाइव मूवमेंट आपको बताया जाएगा ठीक है यूज बाय द फ्रेंडली नेशन कि ये शिप आ रहा है भाई ये देखो शिप इतनी स्पीड से चल रहा है क्या कर रहा है इधर जा रहा है ठीक है पूरा रडार उसको करेगा पर इसके लिए क्या होगा हमको रडार लगाने पड़ेंगे इन कंट्रीज़ के अंदर जैसे मालदीव्स हो गया ठीक है म्यांमार हो गया बांग्लादेश हो गया श्रीलंका हो गया इन कंट्रीज़ के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा कोस्टल रडार सर्विलांस सिस्टम लगाना पड़ेगा राइट द एम इज़ टू क्रिएट द नेटवर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस इन द स्ट्रैटेजिक इंडियन ओशन रीजन दिस विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंडिंग इंडियाज असिस्टेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टू इंडियन लिटोरल ओशन लिटोरल स्टेट इंडियन ओशन की जो लिटोरल स्टेट है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए भी ये काम आएगा राइट फेज वन और फेज टू ये आप देख लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है फेज़ वन एंड फेज टू राइट तो नेक्स्ट इज़ एन जी टी पैनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ महानदी फ्लड प्लेन महानदी फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एन जी टी पैनल बनाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ठीक है तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल कमेटी एक हाई लेवल कमेटी बनाई उन्होंने कि महानदी के फ्लड प्लेन एरिया को ट्रैक करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या फ्लड प्लेन एरिया है ठीक है फ्लड प्लेन एरिया का मतलब समझते हो तुम फ्लड प्लेन एरिया का मतलब शिवजी नहीं होते फ्लड प्लेन एरिया का मतलब होता है कि जब फ्लड आता है ठीक है तो कहाँ कितने एरिया को ये कवर करता है पहले ये देखो ये है नॉर्मल जिंदगी ठीक है जिसके अंदर रिवर ऐसे बह रही है आराम से अब ये है फ्लड आ गया है तो रिवर बिल्कुल ये कौन कौन से प्लेन को कवर कर रही है तो दिस इज नोन एज वट दिस इज नोन एज फ्लड प्लेन आई होप दैट दिस इज क्लियर वाट वी मीन बाय द फ्लड प्लेन राइट तो ये क्या है ये ट्रिक है जिससे कि आप याद करोगे महानदी महानदी महा महा से आपको क्या याद कर रहे हैं महा से आपको महा कौन होते हैं महा महेश्वर और शिव जो होते हैं वो महान होते हैं ठीक है तो महा से आपको याद करना है शिव ठीक है तो ये देखो इसको अंदर हम क्या करें शिव जी है ना इनको हम किसी तरह से मना रहे हैं ठीक है हम मना रहे हैं अब मान जाए किस लिए कि हंस दे बस एक बार ठीक है तो महानदी से आपको शिव को याद करना है महादेव को याद करना है ठीक है महादेव को महानदी से याद करना है और फिर क्या करना है आपको ये याद करना है कि शिव जी है जिसको हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो शिवनाथ रिवर शिव जी ठीक है शिवनाथ ठीक है ये ट्रिब्यूटरीज है इसको लर्न करना सिखा रहे हैं हंस दो मतलब प्लीज हंस दो ठीक है हम कह रहे हैं आपको मना रहे हैं मान मान जाओ हंस दो ठीक है जोक भी मार रहे हैं हम इनके ऊपर उनके ऊपर तेल भी चढ़ा रहे हैं और फिर ये क्या है ये पूरा क्या है ये पूरी एक रिवर सिस्टम बन जाएगा दैट इज़ नोन एज महानदी तो महानदी को याद करोगे महादेव से और महादेव से ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद हो जाएगी एग्जाम के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं बिकॉज क्वेश्चन जो होता है दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसको आप इजीली इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं क्रैक कर सकते हैं राइट अगर आप इस ट्रिक से आपको याद होगा तो राइट तो बच्चों आई थिंक कि कितने घंटे हो गए अपन को पढ़ते हुए टू एंड हाफ आवर्स हैज बिन कंप्लीटेड ठीक है तो आई थिंक दिस शुड बी द एंड ऑफ द क्लास ठीक है यहां पर अपन एंड करते हैं क्लास का और इसका एक पार्ट टू भी आएगा डू लेट मी नो प्लीज लेट मी नो कि पार्ट सेकेंड आपको देखना है कि नहीं देखना क्या आपको ये पसंद आ रहे हैं वीडियोज़ प्लस हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं 1.5 पॉइंट ईयर्स के करंट अफेयर्स इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे थ्रू द बट आपको ये मेरे को बताना पड़ेगा कि ये आपको एक काम करना पड़ेगा आपको शेयर करना पड़ेगा इस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल ठीक है आपको कमेंट करने पड़ेंगे एज मच एज पॉसिबल देन ओनली आई कैन मेक द वीडियोज़ राइट सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज क्लास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली सो नाइसली फॉर दिस टू एंड हाफ आवर्स बाय केयर एंड हैव है